Hey, get out of the way! Who do you think you are? Come on! Hey, ये महंगा सामान क्यों तोड़ रहा है? Come on, bring it on! मैं क्यों आऊँ? तू आ! याज़िनी कहाँ है? कहाँ है याज़िनी? With the Italian drug mafia. Italian drug mafia? कहाँ? Where? Where? Chambord. Chambord. Nonsense. धूप में क्यों खड़ी हो? गोरा रंग काला पड़ जाएगा. Italian drug mafia. Sir, Inspector Manimaran reporting, sir. Mr. Manimaran. Yes, sir. हमें एक confidential मुद्दे पर बात करनी है. Yes, sir. इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बात confidential है. Sir. सरकार ने फैसला किया है कि डॉन जुंगा का एनकाउंटर कर दिया जाए और इसके लिए तुम्हें चुना गया है. क्या हुआ? शॉक लगा? ये किसी अकेले का काम नहीं है. दुराई सिंघम को साथ ले जाना. सर, वो कुछ ज्यादा ही बकबक करता है सर. तुम बस अपने मकसद के बारे में सोचो. सर, जुंगा को जेल से शिफ्ट करने के बहाने बाहर निकालो और शूट कर दो. फिर लोकल पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट करो. सर, प्लान समझ गए ना? ए, गन तो लेते जाओ. सर, उसे अपनी बदबू से मारोगे क्या? अरे गन दे रहा हूँ प्रसाद, नहीं हाथ क्यों फैला रहे हो? सुबह सुबह मंदिर गया था ना, इसलिए. सर, बकवास बंद. ये ले गन. सॉरी सर. उसे मारने के बाद कॉल करना. सर, प्रेस को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए. सर, अब आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? जाओ. अब क्या हो गया सर? सो रहे हैं. अच्छा, तो तू भी जाके सो जाना बाजू में. सर, ऑन ड्यूटी कैसे सो सकता हूँ? जाके उठा उसे. सर, प्लीज सर, मैं आपका वफादार दुराई सिंघम सर. जाग जाइए ना सर. ओए, कौन है बे? तो डंडे मार, अपने आप उठ जाएगा. सर, हम ही डंडा हो जाएगा अगर हमने उसको डंडा मारा तो. ओए, कुछ भी करके उठा उसे, मेरा पहला एनकाउंटर है. कर भला तो होगा भला. जाग गया सर, मेरा अच्छा वाला प्रमोशन करवाना. तेरी प्रमोशन की पूरी बना के. सर, ये तो बैठे बैठे सो रहा है. मैं योग में लीन हूं. सर,
आपको 3 स्टार से 5 स्टार ले जाना है। इस जगह में बुराई क्या है बालक? कितनी शांति है यहाँ। ये जगह मुझे भा गई। सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। किसकी सरकार सर, रामू की या पप्पू की? खैर उन्हें छोड़ो। ओके सर। सादे कपड़ों में पुलिस वाला, चेहरे पर घबराहट, यानी मेरा अंदाजा पक्का है। बालक पक्का है ना? एकदम पक्का। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। यस सर। तो चलें। प्रस्थान करें सर। देश का कल्याण करते हैं। माफ कीजिएगा, फूल नहीं लाया। जल्दी क्या है? हा? बालक को आने दो। ओके सर। आगे आगे क्यों चल रहे हो? हीरो मैं हूं, तुम नहीं। एनकाउंटर कौन करेगा, सीनियर या जूनियर? तेरा सीनियर तो काफी टेंशन में लग रहा है। इसकी आंखें फड़फड़ा रही है और हाथ भी कांप रहे हैं। अगर निशाना चूका और मुझे घायल छोड़ा तो मुझे गुस्सा आएगा। तू एनकाउंटर कर, तू गोली हवा में भी मारेगा तो मैं सीने पे खा लूंगा। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, देख उसकी आंखों में। सर आप तो डिटेक्टिव निकले। सर आपकी आंखें फटी पड़ी हैं, कंट्रोल कीजिए। ए चाइना मेड है क्या? चोर बाजार से ली, मुझे देखने दो। कन्फर्म चाइना की है। ऐसी गन लेकर मैं एक बंदे को मारने गया था, घोड़ा जाम हो गया, उन्होंने मुझे घेर लिया। गेम बजाने मैं गया था, मेरी ही गेम बच गई। अगर ऐसा ही कोई लोचा हो गया और गोली इसको लग गई तो? सर इसे अपने पॉकेट में रख लीजिए, चाइना के माल पे भरोसा नहीं। कंट्रोल सर। आराम से। बच गया। ओए, हम इसका एनकाउंटर करने आए हैं और इसका कोई टेंशन ही नहीं है, उल्टा हमारा सुसू निकल रहा है। ये है कौन? फ्लैशबैक देख लो। ये टिकट काटता था, मतलब कंडक्टर था रजनीकांत जैसे। हेलो पुलिस वाले दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, मैं सिर्फ स्टार हूँ, वो सुपरस्टार हैं। सब ने टिकट ले लिया क्या? तू यहाँ के टिकट नहीं दे सकता क्या? तुम यहाँ आके नहीं ले सकते? पैरों में मेहंदी लगी है क्या? ए ब्लू शर्ट, गुलाबी शर्ट, ओए टकले, उल्टी बकेट, टिकट कौन लेगा? क्या बात है, इसकी आंखें या स्कैनर बिना नजर मारे ही बता देता है टिकट किसने नहीं ली। ए व्हाइट शर्ट अंकल, तुमने भी नहीं ली। बोल बचन देना बंद करो। काम काले करता है। और शर्ट व्हाइट? एक दे दो। अरे हमको तो सीधा जाना था ना, ये लेट क्यों मार रहा है? ए, पहली बार आया क्या? कंडक्टर अपनी हूर परी को लेने जा रहा है। ए! हम सबको टिकट देने के लिए उसके पैरों में छाले पड़े थे, पर उसको तो घर से पिकअप करेगा, टिकट भी देगा और बैठने के लिए रुमाल भी रखा है। कब बेसुरा मेंढक? हाय, कहो ना प्यार है। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। क्या पागल वागल हो गए हो क्या? प्लीज अब इतना क्यों इतरा रही हो, कह दो ना कि प्यार है। इतने बुरे दिन नहीं है जो तुम्हें आई लव यू कहूँ। मेरी जान, आई लव यू नहीं कहोगी तो ये बस 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। इस बस की चलनी और तुम्हें आई लव यू कहने से क्या लेना देना? अरे पगली, तेरे बस के आगे मेरी बाइक नो एंट्री में खड़ी है, अब बता तेरी बस आगे कैसे जाएगी। हेलो पागल खाने से आए हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम कोई भी उठपटांग गाना गाओगे और मैं तुमसे पट जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। अब चुपचाप उठो, निकलो यहाँ से। ए,
चल उठ वहां से। टीवी पे कोई पुरानी फिल्म देखी, हीरो जैसा शर्ट पहना और गाना गाया तो सोचा लड़की पट जाएगी। हाँ क्या सोचा था तूने? ये गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती, देख तेरी बाइक पीछे रह गई। प्रपोज करने के लिए मैं टीवी पर रोमांटिक फिल्म देखकर आया था, अब पास धासू एक्शन फिल्म देखूंगा तुझसे बदला लेने के लिए। ए, बदला लेने के लिए भी फिल्म देखेगा? बिल्कुल, तेरी टिकट नहीं काटी तो देख लेना। फिकर मत करो, मैं हूं ना। इसे पकड़ो, इसे भी पकड़ो। अब क्या होगा? आजा चल। ये कैसा डॉन है हा? जो गली के लौंडों से मार खा के आ गया। कौन था वो? अरे चार बार तो बता चुका हूँ। डिटेल में बता कब कहाँ कैसे हुआ। जानता नहीं कि तेरे पीछे मैं हूँ। ए, तू भी लफड़े के बाद ही आता है पुलिस वालों की तरह। किसी गैंगस्टर को जानता है ना तू? बोल कहाँ मिलेगा वो? हाँ बोला तो था। उन्होंने बोला था ना कोई लफड़ा हो तो बुला लेना। उन चारों की तस्वीर मेरे दिमाग में छपी हुई है, अब हम उस डॉन से मदद लेकर उन चारों की धुलाई कर देंगे। छोटे लफड़े में वो इंटरेस्ट नहीं लेते क्या? वैसे हम लोग उसको अपने बजट में फिट करेंगे ना। तेरा भाई अभी जिंदा है। रुक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कौन सी गाड़ी? आप गाड़ी वो तो तू रोज चलाता है, आज कुछ तूफानी करते हैं। आदमी की औकात उसकी गाड़ी से होती है। चलो आतंक मचाएं। ए, क्या हुआ? क्लच प्लेट खलास है, चैन ब्रैकेट भी टूटा हुआ है, एयर फिल्टर जल गया, कार्बोरेटर भी बदलना पड़ेगा, शॉक अब्जर्वर ही बैठ गया। ये गाड़ी है के खटा रहा है। ये सब छोड़, टाइम कितना लगेगा? 3 घंटा लगेगा, 15,000 रुपया। क्या चिल्लर के भाव में काम करता है? क्या कर रहा है? बिल्कुल यही इमोशन चाहिए। छोड़ना मत, इस गुस्से की आग को चलाने के लिए चल थोड़ा घी डालते हैं। बोतल में बूंद छूट तो नहीं गई? हेलो, हाँ बोलो। क्या हुआ मेरे दोपहिये का? और 2 घंटे लगेंगे। और 2 घंटे लगेंगे? हाँ भाई। अबे जल्दी कर, तेरे चक्कर में और बियर पीने पड़ेंगे। काम खत्म करके फोन कर, तेरा बदला तो मैं चुन चुन के लूंगा। अपनी फाइट में जहाँ मारूंगा बंदा चांद पे गिरेगा, नहीं मंगल ठीक रहेगा। वैसे दोनों बाजू में ही है। चल निकलते हैं, बहुत हो गया। बाइक चकाचक होते ही हम चल पड़े डॉन के घर। यहाँ से बाइक तो नहीं हो जाएगी ना? यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मेरी इज्जत है इसीलिए यहाँ पे हम। अच्छा सुन, कोई टो तो नहीं करेगा लेकिन बच्चे जरूर खराब कर सकते हैं। बहुत खर्चा किया है मैंने गाड़ी पे, मैं डॉन को पटा के आता हूँ। 4 ट्रैक्टर में 400 आदमी के साथ कोई तक कुल्हाड़ी लेके जाएंगे, चलेगा ना? प्लीज तू जल्दी जा वरना मुझे सरदर्द की गोली खानी पड़ेगी। जा इज्जत से। कॉमेडियन कहीं का। भाई क्या हुआ? यो यो भाई को बुलाइए ना, मेरे दोस्त को किसी ने कूटा है। वो तो तिरुपति मुंडन करवाने गए हैं। अरे दिमाग खराब है क्या? धीरे बोल। आज तेरा राहु शनि जगह पर है, जैसे ही भाई को बोला वो तो सेंटी हो गए। भाई फिलहाल योगा में बैठे हुए हैं, उनके उठते ही तेरे दुश्मन सो जाएंगे। बस भाई ने कहा कि तू एडवांस मुझे दे दे। Oh!
अच्छा हुआ तू आ गया। तुम्हारी वजह से मैं इस लुटेरे से मिला और इसने मेरे पास जितने भी पैसे थे लूट लिए। अब मेरे पैसे कौन देगा? कौन देगा बे? तू देगा। पैसे तूने खर्च करवाए ना। लेकिन अब ये कलरिंग चश्मा और सेकंड हैंड बाइक मेरी है। दोबारा अपनी गोरिल्ला जैसी शक्ल और भालू जैसे बाल मुझे मत दिखाना। बात तो सुन भाई। कहीं का मेरे लिए रुको। ये तूने क्या कर दिया? नास पीटी कहीं के तुमने साबित कर ही दिया कि तुम खूनी की औलाद हो। ऐसा क्या गुल खिलाया तूने कि पूरा शहर दहशत में आ गया। तू गैंगस्टर बनेगा, गैंगस्टर बनेगा। तुझसे ये राज छुपाने के लिए कि तेरे बाप दादा कितने बड़े डॉन थे, तुझे चेन्नई से उठाकर यहाँ ले आए। सूरत से तो लुक्का लगता ही है, सोचा था सीरत से तो अच्छा आदमी बनेगा। हमारी कोशिशों में पानी फिर गया। ये तुम क्या कह रही हो माँ? क्या मैं एक डॉन का बेटा हूँ? क्या सच में मेरी रगों में डॉन का खून बह रहा है? हाँ मेरे लाल, डॉन लिंगा ही तेरा दादा है। और डॉन रंगा तेरा बाप है। वो बदनाम डॉन लिंगा मेरे दादाजी हैं। हाँ मेरे बेटे। हाँ वो बदनाम डॉन रंगा मेरे पिताजी हैं। अरे हाँ मेरे लाल, यही तेरा कड़वा शक है। इतने सालों मैं अपनी जड़ों से अनजान रहा दादी माँ। बकवास कर रहा है। वो डॉन होके भी क्या उखाड़ के गए, हम पे कर्जा छोड़ के गए। ये तू क्या कह रही है बहुरानी? आपको तो बहुत पहले ही लुड़का देना चाहिए था। उस जमाने में 4,000 की सुपारी लेते थे और 40,000 लुड़काने में खर्च करते थे। उन येड़ों को लगता था गाड़ी पेट्रोल से नहीं पानी से चलती है। हजारों मील दूर एक को मारने के लिए 40 गाड़ियां जाती थी। हर एक गाड़ी में 10-10 गुंडे भर के जाते थे और पूरे रास्ते बेवजह हे 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 चिल्लाते जाते थे। पहला टोल नाका भी पार नहीं करते थे कि सबके गले फटके हाथ में आ जाते थे और फिर 4,000 की विक्स खरीदते थे। अकल तो 2 पैसे की नहीं थी। जिसकी सुपारी ली वो त्रिची में है या नहीं जाने बगैर वहाँ पहुँच जाते थे। अब जब तक वो लौटेगा नहीं तब तक क्या घंटा बजाएंगे? तो सारी रात होटलों में रहते, दारू पीते, सिनेमा देखते, जुआ खेलते, यहाँ तक कि आइटम डांस भी देखते। 10 पैसा कमाया नहीं कि हजारों का खर्चा कर देते। अरे कितना जहर उगलेगी। लौटने के वांदे हो गए थे। मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे भेजे तब कहीं जाकर वो वापस आए। इतना भी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन लौटने के बाद अपनी कामयाबी का जो उन्होंने जश्न मनाया, माँ की आँख, मेरा कलेजा फटके हाथ में आ गया। उनकी इन्हीं अय्याशियों की वजह से हम लोग सड़क पर आ गए। क्या हम अमीर थे माँ? थे तो। हमारा बहुत बड़ा थिएटर हुआ करता था, सिनेमा पैराडाइज। वो थिएटर मेरे बाप दादा ने मुझे दहेज में दिया था। बादशाह नाम की फिल्म पूरे शहर में धूम मचा रही थी, लेकिन हमारे थिएटर में रजनी की फिल्म फ्लॉप। उनकी फिल्म और फ्लॉप कैसे नहीं होती? तेरे बाप दादा ने रजनीकांत के पोस्टर से बड़े तो आपने खुद के पोस्टर लगा रखे थे। पब्लिक पत्थर नहीं मारेगी। हर शाम को उनको पार्टी करनी होती थी, इसलिए शाम का शो कैंसिल कर देते थे। कुछ पूछो तो कहते थे डॉन का स्टाइल है। राक्षस की तरह हंसता था तेरा बाप। कर्जे में ऐसे डूबे हुए थे कि 40 लाख का थिएटर 4 लाख में बेच दिया किसी चंडीयार को। बाप नंबर ही था बेटा, 10 नंबर ही था। चुप हो जा, रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने का बचा क्या? हम लड़ गए, पड़ोसी जाग जाएंगे। और सबसे बड़ी बेवकूफी तुम्हारे बाप की क्या थी पता है?
वो नाम जो तुम्हें उन्होंने देने का सोचा। अरे रे, तुम्हें याद है ना बचपन में तुम मुझसे पूछा करते थे, जुंगा मतलब क्या माँ, जुंगा मतलब क्या माँ? मैंने कभी भी तुमको इसका मतलब नहीं बताया, पूछो क्यों? क्यों? कैसे बताती मैं? टल्ली होके एक दिन तेरा बाप घर आया और कहने लगा, मेरा बाप लिंगा, मैं हुरंगा, मेरा बेटा होगा जुंगा। क्या रे, अब इसका क्या मतलब बताऊं तुझे? लिंगारंगा जुंगा तीनों टक्कर के नाम है। नाम में क्या वजन है, खानदान का नाम रोशन करेगा। भेड़े को चढ़ गई थी, तेरे साथ साथ तेरे नाम की भी उसने बलि चढ़ा दी। जुंगा, इन सब लड़ाई झगड़ों से दूर रहना, डॉन बनने में नुकसान ही नुकसान है। जो भी बचा खुचा है वो भी हाथ से चला जाएगा, उन दोनों के नक्शे कदम पे मत चलना। माँ, पिताजी और दादाजी ने डॉन का धंधा गलत ढंग से किया था। जैसे स्कूल कॉलेज पॉलिटिक्स में सही तरीके से कामयाबी मिलती है, वैसे ही डॉन के धंधे में भी कामयाबी मिल सकती है, और मैं ये करके दिखाऊंगा। माँ, चेन्नई में जिस थिएटर को हमने मेरे दादा और पिताजी की गलती की वजह से खो दिया, अगर उसी थिएटर को उसी डॉन के धंधे से मैंने दोबारा हासिल नहीं किया, तो मैं डॉन लिंगा का पोता, डॉन रंगा का बेटा, डॉन जुंगा नहीं, तेरे डाई क्यों है मारो की कसम। कौन है? डॉन लिंगा और डॉन रंगा का नाम रोशन करके दिखाएगा मेरा पोता जुंगा। खुशी के मारे मैं थिरकने लगी। ए बुढ़िया, अब ये पानी तू तभी पिएगी जब तेरा पोता वो पुश्तैनी थिएटर दोबारा हासिल करेगा। जुंगा जुंगा, जब तक तुझे थिएटर मिलेगा तब तक मेरी पिक्चर खत्म हो जाएगी। माफिया के किट्टू ने मेरी बहन की इज्जत लूटी और उसे बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। किट्टू की मौत के बाद ही मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, सुना है आप सबसे कम चार्ज करते हो, इसीलिए आपके पास आए हैं। सर। लॉकर। हाँ भाई। थिएटर के लिए। समझ गया। कमीना। इसका छुट्टा करा गेला। जाना। तुम बैठो। अंकल, थोड़ा थोड़ा लोगे क्या? ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जब तक इनका बेटा आएगा तब तक गला सूख जाएगा ना। थोड़ा जेब ढीला करो ना, जल्दी। अंकल के लिए मलाई मार के, मेरे लिए दूध मलाई दोनों मार के जा। कस्टमर तो भगवान का रूप होता है। सर, थिएटर के लिए अब इसका छुट्टा करा गया, जरा जल्दी आना। क्या है, मैं अलग टाइप का डॉन हूँ। जरा जल्दी आना बेटा। अंकल, अब खाने में क्या खाएंगे? मेरी जान खाना बंद करो बेटा। क्यों मेरी पेट पे लात मार रहे हो? सर, 50, 10 और 20 रुपए के साथ चिल्लर भी है इसमें। सारे पान वालों का गला खाली हो गया, अब तो भिखारियों के पास भी चिल्लर नहीं। कोई बात नहीं, बैठ जा। पैसे पूरे है ना? जी सर। तो अब निकलो, चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। तो चलो, चलो। अरे अंकल, एक ही प्लेट मंगाएंगे, सबका हो जाएगा। पूरा थिएटर के लिए। तिजोरी खोल। थिएटर के लिए इतना मर्डर का क्या? मर्डर के लिए देखें क्या तय किया है ऊपर वाले ने। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हमें 500 रुपए में उसका गेम बजाना है। क्या भाई, 500 रुपए में 2 ही 0 होते हैं, 3 नहीं होते। 500 रुपए में सिर्फ जाने का खर्चा होगा ऑटो का। रिटर्न में क्या हम सब पैदल आएंगे? ऐसा प्लान है तो मैं नहीं आ रहा। तुम्हारे पगार में तो पाउडर नहीं खरीद सकता। बॉस, ये क्या कह रहे हो? अगर बस से गए तो भी 3 पंटर तो साथ जाएंगे ना, उनका खर्चा भी तो होगा, थोड़ा बजट बढ़ा दो। तेरी गिनती में गलती है, तू कभी मैनेजर और एचआर नहीं बन पाएगा। मेरी जीप निकालो। जुंगा, जीप में जाके लग रहा है कि डॉन वाला काम कर रहे हैं। ये बस रिक्शा में जाते तो अपनी इज्जत का फालूदा हो जाता है।
सीधा अपनी गाड़ी शिकार के घर के नीचे लगाएंगे, उसको टपकाएंगे और कल्टी खाएंगे। सही कहा ना? सही कहा। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? यही कोई 60-70 किलोमीटर होगी। तो हम ऐसे ही खाली जाएंगे? बोल क्या उठाए, चिल्लाओ। ये कौन सा ब्रांड है? नहीं, पेरिस उत्तम नगर, समता नगर, जनता नगर, आदर्श नगर। पेरिस उत्तम नगर, समता नगर, जनता नगर, आदर्श नगर। पेरिस उत्तम नगर, समता नगर, जनता नगर, आदर्श नगर। 10-10 रुपए में। तू चार पैसेंजर की जगह रोक कर बैठा है, पीछे जा। क्या? जा वरना भाड़ा दूंगा, चल लटक ले। इससे तो अच्छा था कि मैं ऑटो और बस से धक्के खाते हुए चला जाता। जल्दी नहीं है अपनी कोई। जिसके पास भाड़े के छुट्टे पैसे हैं वही आए। जिसको पहले उतरना है वो पहले पैसा निकालो। अरे वहाँ जीप नहीं जाती, लेकिन तो उतर नहीं सकता, बैठ जाना। अरे एक तरफ बैठा मुझे चमन, 50 ग्राम सड़क जा। हाँ चल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, जल्दी निकाल ना। अरे निकाल, अरे छापड़ी उधर रख। हाँ पैसे दे, तू भी दे। अरे पैसे दे। हाँ ले रहा हूँ। अरे क्यों चला रहा है? ऐसे ही चलना पड़ेगा। अरे बारात में थोड़ी जा रहा है। पैसेंजर से तमीज से बात करो, उन्हें बैठने के लिए जगह दो, और सबसे छुट्टे में भाड़ा लेना। छील तो खाना पड़ा। मैं बहुत पास आ रही है, पी के आया था। अरे चुप करो, चुप करो, थोड़े बहुत पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सवार अली का ले लो। ये मेरी गोद है, तेरी बीवी की नहीं। चल उतर। ए, मैसेंजर से प्यार से बात कर, उतर जा मुन्ना। ए, क्या हो बस? हरी साड़ी वाली, पीली टी शर्ट वाला, काली जैकेट वाला और एक उजड़ा चमन, इन लोगों ने भाड़ा नहीं दिया, वसूल करो पहले। क्या बात कर रहा? और हाँ सुन, उनको फाइन भी मारना। ए उजड़े चमन, ए काली जैकेट, ए हरी साड़ी, चल चल चल, किराया ढीला कर, हाथ धो कर। ए धू क्या? ये ले चोर साला, रिटर्न में दिखना नहीं। पूरे पैसे आ गए? खुद ही गिन लो। हाँ सारे तो दे दिए। और वो बाएं हाथ वाले? ये ले, ये सब थिएटर के लिए। कसम खाई है ना? हाँ वो तो है। अच्छा ये ले, जा टपका और वापस आ। रैम्बो की तरह गोली वेस्ट मत करना, उसको पुतले की तरह बिठाकर एक ही गोली में काम तमाम कर देना। और जल्दी वापस आना, जीप का भाड़ा चढ़ रहा है, समझा ना? चल जा। ए तेरे पास जियो का सिम है ना? है ना। दे मुझे। ये ले, तू मेरा फोन लेके जा, वहां जाके मुझे मिस कॉल देना, मैं तुझे कॉल करूंगा। जा। क्या पाई पाई जमा करनी है? चल जा। इससे अच्छे तो बनिए होते हैं। बॉस अपना शिकार तो सोया हुआ है, अब सोए हुए को कैसे मारे? तो बताओ क्या करना है? गहरी नींद में सोया है, उसको उठा के पूछू क्या? बस उसके उठने तक रुक जाओ। भाई कितना इंतजार करवाओगे? समय का इस्तेमाल करो। वहाँ USB चार्जर है क्या? हाँ है ना। मेरा फोन चार्जिंग में लगा दे। लगा ना? लगा। अच्छा है कि वो साथ नहीं आया, नहीं तो इसके बाथरूम में नहा भी लेता, अपनी छेद वाली चड्डी छोड़ के इसकी इम्पोर्टेड पहन लेता। इसे तो पता भी नहीं कि यहाँ यमराज बैठा है, और ये जो है बड़े मजे से परियों के सपने देख रहा है। ओए अबे टकले, ये उठने से रहा। तू कौन है? कौन हो तुम लोग? तुम लोग चिल्लाना बंद कर, थोड़ा सांस ले ले। तूने जो रेप किया था ना, हम लोग तुझे उसकी सजा देने आए, बस। प्लीज प्लीज ये चेनवेन सब ले लो, पर मुझे मारना मत। मैं 1 लाख दूंगा, 2 लाख, 5 लाख, 10, 25, 25 में मार जाओ प्लीज। बड़ी रकम है, अब क्या करें? इसको मारने के लिए हम 500 रुपए में आए हैं, और ये बचने के लिए 25 लाख रुपए दे रहा है। इस टकले के साथ हो ले क्या? मैं तो पहले ही हो गया है? और कोई है क्या तुम्हारे टीम में? नहीं, हम दो ही लोग हैं, हम ही देते हैं। कौन है बे? से और काम करवाऊंगा। बात वो नहीं है जुंगा, वो टकला उठ ही नहीं रहा है, हम लोग उसको उठाने के लिए जोक सुना रहे थे। तू खुद एक जोक है, तू उसको जोक क्या सुनाएगा? सही पहचाना, जल्दी काम खत्म कर। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। जुंगा एक मदद चाहिए थी। बोल। हम लोग जैसे ही इसको 20वें माले पर टपकाएंगे, उसके बाद नीचे आते आते सिक्योरिटी वाला हमें पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। तू ऐसा कर, तू बिना फ्यूल का टेंशन लिए जीप को स्टार्ट रखना, हम लोग भाग के आएंगे और फुर हो जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? छह। क्या हुआ? वैसे कौन से फ्लोर पे हो तुम लोग? 20वें पे है। 20वें फ्लोर पे कोई किसी आदमी को गोली मारेगा क्या? दिमाग सुन हो गया क्या? तो क्या करें? उसे उठा और बालकनी से फेंक दे। अरे बॉस ऐसे तो कोई राक्षस मारता है? अरे इस पर रहम करो, बेरहमी से मत मारो। जो बेरहमी से बलात्कार करे उसे बेरहमी से ही मरना चाहिए। प्लीज मत मारना, यही इंसाफ है। समझ गया, अभी फेंकता हूँ। सुन। हाँ अब क्या? मैंने बहुत ढूंढा पर यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। तुम लोगों की सेहत का ख्याल भी तो मुझे ही रखना है। देख उसके फ्रिज में जो भी खाना पीना हो लेकर आना, सब मिलके खाएंगे। जो दो। अरे सुन एक और बात। अरे एक बार में क्यों नहीं बोलता? उसके पास पैसा जेवर जो भी हो सब लेकर आना। मरने के बाद वो उसके क्या काम आएगा? हाँ। उसके कपड़े जूते चड्डी बनियान जो भी हमारे काम आए सब लेकर आना, समझा? हाँ, समझ गया। अरे तुझसे बात करूँ या लूटूँ?
चल चल छुरी निकाल, क्या कर रहा है? हमें और भी चीजें लूटना है, चलो घड़ी भी ले लो। जल्दी कर, हमारा बॉस वेट कर रहा है। चल चल चल, अरे चल, तेरा विसर्जन करना है, सपोर्ट कर। हां प्लीज, अच्छा मुझे कहां ले जा रहे हो? एक मुझे मत फेंको। दो, अरे तीन। ओए काफी जालिम टाइप का डॉन लग रहा है ये। एक बात बता, तू बार बार सेल्फी क्यों लेता रहता है? अगर हमें कोई चीज पानी हो तो हर दिन उसके साथ सेल्फी लेनी चाहिए। सेल्फी देखकर उसे हासिल करने की इच्छा बढ़ जाती है। इसकी हर ईंट पर मेरे बाप दादा का नाम है। पर पेपर पे तो चेटियार का नाम है। नमक छिड़क रहा है। डॉन भाई, आपके एंट्री से तो बाकियों का शटर डाउन हो गया होगा ना भाई? ये सोचना गलत है कि हम दूसरों को नीचे गिराएं ताकि हम उनसे ऊपर उठ सके, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ऊंचाई पर बैठे हुए लोग खुद ही हमारे लिए जगह बनाएं। ये सब क्या चल रहा है सर? जुंगा के गुंडे 400-500 रुपए में हाथ पैर तोड़ने की सुपारी ले रहे। अगर हमारे बिजनेस में इसी तरह चलता रहा ना तो हमारा रेट भी डाउन हो जाएगा। क्या इज्जत रहेगी आपकी? जरा अपना फोटो तो देखिए, कितने टॉप क्लास के गुंडे लग रहे हैं। ऐसा करेंगे तो चिंदी चोर कहलाएंगे। चले जाओ इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। उस जुंगे को उठा लाओ, उसे हमारे डॉन यूनियन के रूल्स बताने होंगे। उसे मैं यहीं उसकी औकात दिखा दूंगा। जी बिग बॉस। बिग बॉस ने आपको बुलाया है। उनसे कह देना मैं फ्री नहीं हूँ। बिग बॉस को मीटिंग करनी है। उनसे कह देना मैं कल आऊंगा। बिग बॉस को आज ही मिलना है। हाँ तो कह देना मैं शाम को आऊंगा। बिग बॉस को अभी मिलना है तो आता हूँ ना साथ में। जा पिचकारी मार। क्या तेरे बॉस का नाम क्या है? बिग बॉस सोपराज। सोपराज हो या शैम्पू राज, लड़ाई खत्म। चल निकल निकल जाना। हमारे जमाने में जब सोपराज साहब कहीं से भी गुजरते थे तो सबके सर झुक जाते थे इज्जत से। हमारे दिग्गज डॉन पोन मनी कोई भी कांड करने से पहले सोपराज जी से पूछते थे, और सुपराज जी पोन मणि से पूछ के काम करते थे। इसे कहते हैं इज्जत देना। क्राइम की दुनिया में ये थी सब डॉन की इज्जत, लेकिन आज इन चिंदी चोरों के मार्केट में आने के बाद हमारी भी इज्जत उसी लेवल की हो गई है। आप अब डॉन कम और चिंदी चोर ज्यादा लगने लगे हैं सर। कल तो भाई बोला इसके वास्ते मैंने अपना एक लौंडा भेजा जुंगा के पास। उसने बोला भाई को मिलना है, तो जुंगा बोला कौन है तेरा भाई? तो मेरा भाई सुपराज। धीरे धीरे धीरे। सोपराज भाई को तुमसे मिलना है। सोपराज हो या शैम्पूराज, ऐसा बोलकर जुंगा ने मेरे लड़के को बहुत धोया। क्या हो गया मुन्ने, गोलमाल देख के आया क्या? बॉस मैंने उसको बोला कि आपका नाम सोपराज है, तो वो बोलता है कि आपका नाम सोपराज हो या शैम्पूराज क्या फर्क पड़ता है। उल्टा उसने मुझे बहुत मारा, मार मार के सुझा दिया। तुम्हारा नाम ऐसा कौन रखा? क्या रे, कितना धुकुड़ाता है। मैंने थोड़ी ना अपना नाम सुपर राज रखा है। मेरे बाप ने झूले में झुलाते झुलाते मेरा नाम रखा, तो मैं क्या करूं? सुपराज जी, मैंने जुंगा को डॉन मीटिंग में आने को कहा तो वो कहने लगा फालतू लोगों के लिए फालतू वक्त नहीं है, अगर बुलाना ही है तो रिक्शा भाड़ा देना पड़ेगा। बॉस 4 दिन नहीं हुए और लौटा सख्त हो गया। बॉस जुंगा आ गया। जुंगा? सब डॉन लोगों को जुंगा डॉन का नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाथों में मेहंदी लगी है। नमस्ते। अभी ठीक है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये क्या 8 लोगों के लिए 4 पंखे क्यों चल रहे हैं? बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? ये तू डॉन बाटली वाला है ना, कल तुझे सलून में देखा था। तू खुद के 4 बाल नहीं काट सकता है, लोगों के गले क्या काटेगा? शर्माती है ना। ये देख इसे देख इसे देख, कुत्ते की तरह कब से बिस्किट खाए जा रहा है। तू डॉन बनाया सोने की बिस्किट स्मगल करने के लिए, कुत्तों के बिस्किट खाने के लिए नहीं, चाय में डुबो के बिस्किट खा रहा है, शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा क्यों रहे हो भाई, मुझे डायबिटीज निकल जाएगी। मत रख। ए सुन जूंगा, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है जिन पे बात करने के लिए हम सारे डॉन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बात करनी थी तो फोन कर लेना था।
फोन बात करने के लिए तो बने हैं। आजकल क्या अच्छी अच्छी स्कीम आ रही है, फुल नाइट फ्री टॉक, कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लेते, सब एक साथ बात कर लेते। चले बालकला का रोड। हाँ भाई, ये यूनियन मीटिंग का नाटक क्यों किया है? हाँ देख जूंगा, मैंने तेरे जैसे हजारों लौंडे देखे हैं, तुम बहुत बोलते हो। क्या हुआ उस कल्लू कानिए का? हाँ गुल हो गया ना? क्या हुआ शाना हटेले का? हाँ टपक गया ना? क्या हुआ उस पप्पू पेजर का? हाँ वट गया ना? सलीम लंगड़ा हाँ कहाँ गया? मुझे कैसे पता होगा? कैसे पता होगा बता ना, मुझे कैसे पता होगा? नहीं नहीं बता ना, मुझे कैसे पता होगा? कितना गुस्सा करता है। चल काम की बात बता। ध्यान से सुन जूंगा, बिजनेस सबको करना है, तो हर धंधे में हाथ नहीं डाल सकता। बाकी लोग क्या करेंगे? मर्डर, सुपारी, किडनैपिंग, फिरौती, सबके रेट फिक्स है, समझा? और तू सारे रेट की वाट लगा रहा है, सब लोग तेरे खिलाफ हो गए हैं। चल सुधर जा, मिल के काम करते क्या? तुझे क्या लगा मैंने कोई आम का बाग लगाया है क्या, कि आम तोड़कर उन्हें बेचने के लिए मैं दुकान लगाऊं? सुन भाई, बहुत मेहनत करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, अगर कोई मुझसे मदद मांगेगा मैं करूंगा, और तू अपनी औकात में रह, वरना मैं तेरी औकात याद दिला दूंगा। और अगर आज के बाद तुम में से किसी ने मुझे आकर कहा कि सोपराज ने मुझे बुलाया है, तो ऊ करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी निकाल रहे बॉस, हम तो चल के आए हैं। मैं 11 नंबर के बस की बात कर रहा हूँ, ये यूनियन का माल है ना भाई? ए, अपने हिस्से का ले ले, ये भी आज से मेंबर है। चलो अभी भी ज्वाइन किया है। ये हम जैसा नहीं है, ना ही इसकी कोई बीवी है, ना ही कोई रखेल, तो फिर ये पैसे के पीछे क्यों तबागल है? वो सिनेमा पैराडाइज थिएटर है ना, वो उसकी जायदाद है। वो पाई पाई जमा करके उसे चिट्टियार से वापस खरीदना चाहता है, इसलिए वो हमारे मार्केट का भाव तोड़ के काम कर रहा है। अच्छा तो थिएटर उसे चाहिए? वो थिएटर तो मैं उसके हाथ लगने नहीं दूंगा। अरे वो कोरियन कंपनी ने मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए जमीन मांगी थी ना, उसे चेटियार के पास भेज दो। उसने हमारा धंधा छीना है, हम उसका जीना हराम कर देंगे। जीना हराम करना है या आपकी नजर उसकी प्रॉपर्टी पे है? चखना खा पहले। ये क्या है, तुम्हारी स्टोरी में सिर्फ मर्द ही मर्द भरे हुए हैं क्या? एकदम सड़ी हुई ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ है तुम्हारी। वो बरसात के रेनबो की तरह आई लड़की के बारे में बताओ ना, उसका क्या हुआ? वो कहाँ गायब हो गई? वो वही थी। एक दिन मुझे उसका फोन आया। हेलो जुंगा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर मेरी शादी होगी। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी। बहुत अच्छा फैसला है, तुम्हारा दिमाग घुटनों में नहीं साबित हो गया। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार एक डॉन को दामाद के रूप में अपनाएंगे? उन्हें कैसे पटाना है मैं बताती हूँ। कैसे मुझे बताओ, हम करते हैं। तुम एक बड़े डॉन बन गए हो। हाँ पता है, ताजमहल जैसे शानदार मैरिज हॉल को हम बुक करेंगे और तुम 100 कारें लेकर आना अपनी बारात में। कितनी कारें? 100 कारें। 100 कारों में तुम्हारे पंटर लोग होंगे, उनके साथ हम बड़ी शान से स्टाइल से चलाते हुए आएंगे एक बड़े से हेलीकॉप्टर में। सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारी शादी नहीं, अगर तुम मेरी छोटी बहन की शादी का भी खर्चा उठाओगे ना, तो सच कहूँ मम्मी तो ऐसे ही खुश हो जाएंगी। और वो मेरा छोटा भाई एकदम नालायक है, अरे वो एकदम टोटल वेस्ट है। ऐसा क्या किया? देखो अगर तुम उसे किसी तरह 10वीं मंजिल वाले शास्त्री नगर के ज्वेलरी शॉप में फिट करवा दो ना, तो अच्छा रहेगा। वो एडवर्टाइजिंग और सिनेमा में भी जा सकता है और अपनी हीरोइंस को भी चुन सकता है, उसकी भी शादी करवा देंगे। और आखिरी बात है कि मुझे खुश करना, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो डॉन की वाइफ बनूंगी ना। मैं एक साड़ी दोबारा नहीं पहनूंगी, तुम हर साल मुझे 365 साड़ियां खरीद कर दिलवाते रहना और मैं खुश हो जाऊंगी। हे आउट ऑफ बजट औरत, मैंने 2 कच्छे में पिछले 2 साल निकाल लिए और तुझे 365 दिन के लिए 365 साड़ियां चाहिए? अगर तुम मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दोगे ना, तो किसी को हमारी शादी से एतराज नहीं होगा। क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बीवी सबको एक आलीशान दावत देगी, लड्डू बांटेंगे, बड़े बड़े लड्डू। भाग ले जुंगा, वरना ये लड़की कर देगी तुझे नंगा, फिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? फिर मैंने फोन ही बंद कर दिया, उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। बाप रे बाप, सिम कार्ड बदलना पड़ा। इमोशनल टॉर्चर कर रहा है बेचारा।
उसमें बैलेंस बचा था, वो उससे तो डिलीट हो गई पर दिल से नहीं हो पाई। सुनो भाई लोग, जुंगा पे अब हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। वो हम लोगों को धोखा दे रहा है। हम लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं। मैंने एक सिंगर को बुलाया है जो उसकी तारीफ करेगा। हम लोग उससे पैसा कमाएंगे। ओए सफेद दाढ़ी, जैसा ही मौका मिले वैसे ही शुरू हो जाना, समझ गए ना तुम लोग? ये क्या था बे? इसको एंट्री बोलते मियां। देख के तो ये एग्जिट लग रहा था। मैं हूँ ना। किस चमगादड़ को बुला लिया मैंने? ये सिंगर है, वैसे 600 ढीले हैं इसके। सुनो इधर आओ। नहीं मियां, मैं यहाँ ठीक हूँ ना, टेंशन न करो। अरे यार, ये चार मीनार वाले को कहाँ से उठा कर लाए हो तुम लोग? ए बासी बिरयानी, चल इधर आ। माइल्स हुआ है, सीधा चल। इसी को स्टाइल बोलते मियां। गैंगस्टर और कवि, तेरा ये फंडा समझा नहीं क्या मियां? एक म्यूजिक डायरेक्टर हीरो होना, एक हीरो म्यूजिक डायरेक्टर होना, तो मैं क्यों नहीं? तेरे बाल जले हुए क्यों हैं? लोगों को पसंद है। हाँ, तू भी देखकर तो जली हुई तीली लग रहा है। शक्ल से ये जिम्बाब्वे का उलंगा है और बालों से श्रीलंका का मलिंगा। तू हमारी टीम में फिट नहीं हो सकता। थैंक्स मियां। इसे समझा, इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। तू सिंगर नहीं चीटर लगता है, साफ वाली शर्ट भी पहनी है। मुझे तो लगता है ये यहाँ जहर उगलने आया है। अरे उलंगा मलिंगा छोड़ो भाई, इसके अंदर के उफनते टैलेंट को देखो। ए भाई, जो बनाया सुना ना, उगलना चालू कर। ये लो मियां, नॉर्थ में होना गंगा, साउथ में होना गंगा, और बीच में है जो वो होना जुंगा। दो गंगा के बीच में जुंगा, क्या बात है। नाइस, टैलेंट कूट कूट के भरा है। तूने लिखी है? अभी अभी बनाया मियां। कविता लिखने के बाद नीचे अपना नाम भी लिखता है? भाई को पसंद आया तो टेंशन नहीं होना, मैं लिखेगा मियां, कल सुबह सुबह आ जाऊंगा। सुनो ए, हम गैंगस्टर्स के साथ तू कवि बनकर नहीं रह सकता। और कान खोल कर सुन ले, एक गैंगस्टर के लिए गुरूर, मान, स्वाभिमान, अभिमान बहुत जरूरी है। चल ले जा रहे इसको, चल। क्या मियां, तुम लोगों ने तो मेरे टैलेंट की चिंदिया चिंदिया कर दिया। तुम कभी मेरे को चार मीनार पे मिलो मियां, मैं तुम लोगों को कौवा बिरयानी खिलाऊंगा। इसको भाग, इसके टूटे हुए टैलेंट का तो चूरा बना दिया आपने। वैसे कविता अच्छी लिखी थी। जिस थिएटर के सामने आप खड़े होकर सेल्फी लेते थे, उसको कोई तोड़ रहा है। के बेटे? हाँ, तो नहीं। हाँ वही हूँ। लिंगा के पोते? रंगा का बेटा तो लिंगा का पोता हुआ ही ना। आप पिताजी के पिताजी दादाजी? हाँ, हाँ, मुझे विक पहना दिया तो उनके जैसा लगूंगा, इसीलिए पता चला तुम्हें। बेटा तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी और दादाजी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने कितने लोगों को पैसे दिए हैं जानते हो? उन्होंने मुझे गिफ्ट में एक घर दे दिया। और ये देखो ये चैन, ये भी उन्होंने दी मुझे, ये उनकी यादगार है, अभी तक संभाल के रखी है। मेरा सुख चैन लूट चुका है और तुम मेरे बाप दादा की चेन पहनकर घूम रहे हो? अरे नहीं, ये तो दान धर्म, दान धर्म के नाम पर तुम लोगों ने मेरे बाप दादा की कमाई को चाट लिया है ना, उनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा? शांत हो जा, तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज कर रहा हूँ। ठीक है, इस थिएटर के लिए पाई पाई जोड़ी है मैंने, मैं इसे आसानी से टूटने नहीं दूंगा। अब इंतजार नहीं होता, बताओ इसे खरीदने के लिए किसे मिलना है? तुम चेट्टियार से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। बात यह है कि कुरियन कंपनी और चेट्टियार यहाँ एक मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। तुम एक काम कर सकते हो, कुरियन कंपनी का विजिटिंग कार्ड है, इसके जरिए तुम चेट्टियार से मिल लो। मेरे जाने के बाद कहीं थिएटर तोड़ दिया तो? अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी एक लेटर पोल्यूशन कंट्रोल को भेजता हूँ और तोड़फोड़ को 2 महीने आगे करवा देता हूँ। तब तक तुम थिएटर को चेट्टियार से वापस खरीद लो, मगर मुझे तंग मत करो, अब जाओ। ठीक है। अरे हाँ एक और बात, तुम वहाँ ऐसे जाओगे, एक नई शर्ट खरीदो और वहाँ अच्छे से जेंटलमैन बन के जाओ। समझ गया। इसको अपने साथ मत ले जाना वरना तुम्हें नहीं जाने देंगे। शुक्र है चला गया, वो सिर्फ चेन लेकर गया, वो उस घर को भूल गया जो उसके बाप ने मुझे दिया था। थैंक गॉड।
नदी वाली जमीन के पास बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिक्र मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। ओए लागू चेट्टियार जी, हाउ यू आर? चेट्टियार, नाम सुनकर तो लगा था कि कांति शाह की बी ग्रेड फिल्म के विलन जैसा कोई होगा, लेकिन आप तो एकदम हॉलीवुड स्टाइल लग रहे हो, चकाचक। ये कौन है? थिएटर के बारे में आपसे बात की थी ना, ये वही है। डॉक्यूमेंट्स मांगो। सर, डॉक्यूमेंट्स लाए हो? क्या लगा, खाली हाथ आया हूं? पढ़ के सुनाता हूं। सुबह सुबह शुरू हो गए। करारनामा सुन लीजिए। लिखा है, मैं चेट्टियार ग्रुप का प्रेसिडेंट, चेन्नई की प्रधान स्ट्रीट का निवासी, 9 फकीर साहब स्ट्रीट रॉयलापुरम चेन्नई के निवासी, स्वर्गीय रंगा के बेटे और लिंगा के पोते जुंगा के साथ ये करार करता हूँ कि जुंगा को मैं अपने पूरे होशो हवास में इस करारनामे के साथ पूरे 19,310 स्क्वायर फीट की सिनेमा पैराडाइज थिएटर बिल्डिंग सौंपता हूँ। उस बिल्डिंग में मौजूद एक कैंटीन को छोड़कर, जो कि पब्लिक के लिए सुरक्षित रखी गई है, मैं सत्य निष्ठा से ये घोषित करता हूँ कि थिएटर के सारे हक और लाभ जुंगा और उसके वंशज द्वारा उठाए जा सकते हैं। इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि अभी और बाकी रकम अगले साल के अंदर या जुंगा के कामकाज के मुताबिक 1 साल के अंदर बाकी किश्तों के भुगतान के साथ स्वीकार करना कबूल है और इस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगर इन शर्तों को पूरा किया जाता है तो मैं किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने का वादा करता हूं। ये लो चिट्ठियां, अपने दस्तखत कर दो, सौदा पक्का करते हैं और तुम्हारे घर में थिएटर। आंखें क्या फाड़ रहे हो? ए, हाँ बस। चिट्ठियां साहब को लक्ष्मी के दर्शन करा। ओके बस। नोटबंदी के बाद की नई नोट है, दूर से नहीं नजदीक से दर्शन करा। हाँ, लो गौर से देखो, ध्यान से देखो, देखो ठीक से देख लीजिए, पूरे 1 करोड़ हैं। पैसे गिनने के लिए आदमी कम पड़े तो इसे नौकरी पे रख लीजिए, इसमें सिक्के भी हैं। पैसों की जरूरत नहीं, इसे तुम ही रखो, इन पैसों से अपना थिएटर रेनोवेट करवा लेना। बढ़िया। चिट्टियार साहब का मूड बदले उससे पहले चेन लगा, बंद कर, नीचे रख, संभाल के, भारी है। आप सोच रहे हैं कि इसके बाप दादा से मैंने थिएटर हथिया लिया, पर इसकी मासूम शक्ल देखकर मुझे तरस आ गया, इसलिए थिएटर के साथ साथ 1 करोड़ रुपए भी मैं लौटा रहा हूं। चेट्टियार, अब मेरी एक बात अपने कान खोल कर सुन ले, मैंने आज तक ये किसी से नहीं कहा, तू पुरुष नहीं है, तू महापुरुष है। Sit down, man. Sit down. I am no down. कैसी लगी मेरी इंग्लिश? सुपर। Shall I tell you something about the corporate culture? Ask me if you don't understand what I say. The only difference between the rich and the poor is how successfully they use their time. हाँ, टाइम से मुझे याद आया, शनि भारी होने से पहले साइन कर दो, फटाफट एक सेल्फी लेते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं और मेरे लिए घास फूस मंगाना। बैठ जाओ। चलो तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। ये शर्ट कहां से खरीदी? पसंद आई ना? मैं जानता था कि मेरी ये नई शर्ट तुम्हें पसंद आएगी। पूछो कितने की है, अंदाजा लगाओ। रुको, कपड़ा छू कर देख लो। प्लीज अपनी जगह बैठे रहिए सर। प्लीज सर, ठीक है, अंदाजा लगाओ। यही कोई 4-5 हजार में? जोक मार रहे हो? अच्छा जोक था। 400 की है कुमार शर्ट्स। तुमको भी चाहिए तो बोल दो, पूरे स्टाफ के लिए ले लो, डिस्काउंट करा दूंगा, खाता है उधर अपना, जब चाहिए बोल देना। गुड। क्या? चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूं। मुझे कहानी सुनाओगे? मेरी दादी पे गया है, ठीक है सुनाओ। ये कहानी एक लड़के की है, वो एक शॉप में गया, वैसी शॉप जो तुमने बताई। उसने सेल्समैन से कहा ये शर्ट दिखाओ वो शर्ट दिखाओ, वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था, तो उसने लड़के से पूछा क्या हुआ। वो बोला कि जब वो वहां 20 साल पहले आया था तो उसने एक फ्लोरोसेंट ग्रीन शर्ट देखी थी। क्या? फ्लोरोसेंट सर, तोते के रंग वाली। हाँ, तोते के रंग वाली शर्ट। तब उस शर्ट की कीमत 100 रुपए थी, पर वो उसे खरीद नहीं पाया, तो वो आज 20 साल बाद वही शर्ट 100 रुपए में खरीदने आया है। कैसा लड़का है ये, दिमाग से पैदल है क्या? इसे साथ में लेके दोस्त की दुकान पे मत आना, उसके चक्कर में वो मुझे डिस्काउंट देना भी बंद कर देगा। एक शहर में एक कुआं था और वहीं एक लड़का था जो एक ग्लास से उसका सारा पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। जब उससे पूछा तो वो बोला करीब 30 साल पहले उसके दादा ने एक हीरा उस कुएं में फेंका था, अब वो उस कुएं का सारा पानी खाली करके उसमें से वही हीरा निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये आजकल के जाहिल मुंह उठा के चले आते हैं अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव खरीदने। चेट्टियार, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ये बताओ आए कहां से हो तुम लोग, हैं? ऐसा क्या घूर रहा है, क्या सोचा था यहां आएगा, डराएगा, धमकाएगा?
मेरी तेरे बाप और दादा से डील हो चुकी है और उनसे किए सौदे की वजह से ये गरीबी में पला डॉन आज तुमसे मिलने यहाँ आया है। गरीबी द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इन द डिक्शनरी। गरीब इस देश के लिए अभिशाप है। इस देश में कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। एयरपोर्ट बनाना है वहाँ पे गरीब है, कोई बिल्डिंग या पाइपलाइन डालनी है वहाँ भी गरीब है, कोई हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट शुरू करना है फिर वही गरीब। ये सब क्या है? इंडिया को एक विकसित देश बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, सारे गरीबों को एक जगह इकट्ठा करके चला दो। ने बैग भर के पैसा लाया है। अरे इतने पैसों के तो मैं अपने कुत्तों को बिस्किट खिला देता हूँ। तूने लक्ष्मी की बेइज्जती की है, ये तू नहीं तेरा गुरूर बोल रहा है। बाहर निकालो इसे। अपना थिएटर लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे डॉन बनने पर मजबूर मत कर। ये फाड़ दे, अब ये फाड़ देगा। ए छोड़ रे, थोड़ा ना हाथ छोड़। 400 की शर्ट फाड़ी। क्या कहा था तूने? देश के गरीबों से नफरत है तुझे, उन्हें जला देना चाहता है। तेरे घर में काम करने वाले सब के सब लोग, नौकर चाकर माली ड्राइवर, सब के सब गरीब हैं। इनमें से एक को भी निकाल कर देख, तेरा पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। तुझ जैसे अमीर लोग क्या जाने हम गरीब कितनी मेहनत करते हैं अपना पेट भरने के लिए। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी तेरे पास है इसलिए इज्जत कर रहा था, और तू कमीनेपन पे उतर आया, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके रख देता। और ये बता, ये क्या घटिया कहानियां सुना रहा था मुझे कि एक लड़के को 100 रुपए में तोते वाली शर्ट चाहिए थी? तो सुन ले, वो लड़का वो शर्ट लेकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और वो लड़का जो कुएं में हीरा ढूंढ रहा था, अरे गिलास छोड़, वो तो चम्मच से भी कुएं की एक एक बूंद बाहर निकाल कर वो हीरा एक दिन ढूंढ कर ही रहेगा। और तूने आखिर में क्या कहा? वो जाहिल जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी खरीदने आया था, याद रख, उसी जाहिल के पैरों में गिरकर एक दिन तू गिड़गिड़ाएगा कि अपनी प्रॉपर्टी ले लो। लिख के रख, तुझसे वो थिएटर में लेके रहूंगा। पैसे उठा रहे, वो कागजात भी ले ले। ले लिया बस। और पेन लिया? हाँ ले लिया। और सुन, छोड़ो ना, छोड़ मुझे। एक और बात सुन, ये बात भी आज तक मैंने किसी से नहीं कही, मैंने तुझसे कमीना इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। माफ कर देना भाई, ज्यादा लगी तो नहीं। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। चल रहे, ये लुंगी की वजह से फुंगी बच गई। Useless fellow. धूप में इतना गर्म क्यों हो रहा है? और ये शर्ट को क्या हुआ? ये तू हट रहे? आप रहने दो, मैं चलाता हूँ। हाँ ठीक है, तू उस बुढ़ाओ को फोन लगा। आज के जमाने में कौन मिस्ड कॉल देता है? मैं भी मिस्ड कॉल ही दूंगा। हेलो हेलो, कौन हो? मिस्ड कॉल क्यों दिया? मैं हूँ, चटियार की बेटी है क्या? हाँ उसकी एक बेटी है, नाम है याजिनी। एक ही बेटी है? हाँ हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उससे तमीज से थिएटर मांगा तो उसने मेरी शर्ट फाड़ दी। क्या? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, उसकी बेटी का अपहरण। अरे नहीं बेटा, तुम कसम खाओ कि ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। मैं तुम्हारी इस काम में कोई मदद नहीं कर सकता, इस आइडिया को अभी के अभी टाटा कर दो। तो फिर मेरे पिताजी से मुफ्त में जो घर मिला है उसे भी टाटा कर दो। नहीं, हेलो, देखो ये बात किसी को मत बताना, उसकी बेटी पेरिस में पढ़ रही है। गाड़ी सीधी पेरिस ले चलो। हेलो, हम पेरिस पहुंच गए। इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? लिंक रोड पे मेट्रो का काम चालू है, पेट्रोल ज्यादा जलता है, इसलिए एसवी रोड से शॉर्टकट ले लिया। अब बताओ वो है कहाँ? उसको बोल टाइम खोटी ना करे, जल्दी बताए कहाँ है लड़की। कौन सी गली है? गणेश गली, चिवड़ा गली, डेढ़ गली, खाओ गली, कौन सी गली? अपना चेन्नई वाला पेरिस नहीं। चेन्नई वाला नहीं तो कौन सा पेरिस है? कहाँ पे पेरिस है? ए, उस बुढ़ाओ को बोलो, इतना बड़ा बिल्डिंग है, बढ़ के सुना। ये RRYS यही तो है। फ्रांस में जो है वो पेरिस। अब ये फ्रांस क्या है? वो फ्रांस विदेश है। इंडिया में कहाँ है? वो वाला पेरिस यूरोप में है। यूरोप में भी पेरिस है क्या? उसके लिए तुम्हें प्लेन से जाना होगा। पेरिस जाने के लिए प्लेन से जाना होगा।
ये होटल में रहेंगे तो घर जाने के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उस बुड्ढे ने कहा था कि यहाँ रहेंगे तो ही लड़की मिलेगी हमें। दो दिन यहाँ रहते हैं, लड़की दिखते हैं, उठा लेंगे। तुझे थिएटर चाहिए तो माल ढीला करना ही पड़ेगा। वंडरफुल, उजाला ही उजाला है। ये लोग तो साल भर दिवाली मनाते हैं भाई। जुंगा, क्या तू 15,000 के लिए रो रहा था? अपने को जन्नत मिली है जन्नत। ए चुक्कर, क्या बक रहा है? चेन्नई में अपने पेरिस में रूम 200 रुपए में मिलता है, और फिर सोना ही तो है, इतनी रोशनी क्यों चाहिए? सीलिंग पे इतनी भड़कीली डिजाइन, और एक डबल रूम के लिए ये बड़े बड़े थिएटर जैसे दरवाजे कौन बनवाता है? अबे, मेरे बाप ने थोड़ी बनाया जो पूछ रहा है। हट। ए तू कहां जा रहा है? यहीं रुक, भूख लगी है, कुछ खाने जा रहा था। तुझे यहाँ मैं लाया हूँ, इसलिए मैं तय करूंगा कि तू क्या खाएगा, कब खाएगा, कितना खाएगा और क्यों खाएगा। ये तो ज्यादती है। चल बैग खोल फटाफट। लगता है मुझे बिना बताए कुछ तो सरप्राइज रखा है इसने। ओए, डॉन लोग प्लेन को हाईजैक करते हैं, प्लेन में रखे फ्री के सामान को हाईजैक नहीं करते। यही हमारा खाना है, खाने के लिए और कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा खाना। Hey, ये तो मैं प्लेन में खाते खाते ही आया हूँ, और खाया तो उल्टी कर दूंगा। हेलो, हाँ माँ, रहने के लिए रूम मिल गया है, बाकी सब ठीक है। ये क्या कर दिया तूने नालायक? क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे हाँ, वो कपड़ों के बिल की बात कर रही हो ना? 25,000 घुस गए, मुझे भी वो जरा ज्यादा लगा, पर क्या करें। जुंगा, जब बात करोड़ों की हो तो चिल्लर नहीं गिनते, माता जी को मेरा प्रणाम कहना। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है माँ। अरे अकल के दुश्मन, तूने जो कपड़ों पे खर्चा किया है वो 25,000 का नहीं है, 22,25,000 का है। ये क्या कह रही हो माँ? तूने उनकी करेंसी में खर्चा किया है। अरे उल्लू के पट्टे, उनका 1 रुपया मतलब हमारा 78 रुपया होता है। सच कह रही हो माँ? 10-12 लाख रुपए के कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? कपड़े, कपड़ों के 12 लाख हुए? उसके बाद जो 3 आइटम खरीदी वो 10 लाख रुपए की थी। 10 लाख रुपए? कपड़ों पे खर्चा किया वो काफी नहीं था क्या, जो तूने रूम पर भी 10 लाख रुपए खर्चा कर दिए? अरे गधे, उतने में तो तेरा खुद का घर आ जाता। तूने भी वही फिजूल खर्चा शुरू कर दिया जैसे तेरा बाप रंगा और दादा लिंगा किया करता था, इसलिए मैं मना करती थी। चुका विदेश मत जा, विदेश मत जा, मगर सब बेकार। अभी भी वक्त है, घर आ जा। कंडक्टर बन के सिटी में जाके तू जितना कमाता उसमें अपना गुजारा हो जाएगा बेटा, तू घर आ जा। माँ, माँ फोन रख, माँ फोन रख, ज्यादा बात करके फोन का बिल चढ़ रहा है, माँ फोन रख। ये रो क्यों रहा है? परिवार के बारे में सोच बेटा, हम बेघर हो जाएंगे। फोन रखना माँ, फोन रख। हे, ये कोट कितने का है पता है तुझे? कितने का है पता है? पैंट है 4,000 का, शर्ट भी है 4,000 का, और ये शेर की खाल का सूट 5,000। शेर की खाल भैंसा पहनेगा? भैंसा क्यों पहनेगा? कुल मिला के कितना? कुल मिला के ओनली 13,000। ये तो उनके रुपए में, अपने रुपए में कितना हुआ पता है? कितना हुआ? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हुए भैंसे, 10 लाख रुपए तेरे ऊपर खर्च कर दिए। अयो 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 अयो, ये क्या कर दिया? मेरा बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज हो गया मुझे, 10 लाख रुपए उड़ा दिए। अरे अरे, टूटेगी टूटेगी, बहुत महंगा, देख भारी पड़ेगा यार, रख दे। मुझे मारना है तो मारना, लेकिन उसे रख दे। टूटा नहीं, टूटा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, शुक्र है टूटा नहीं। उठा सामान, उठा सामान, उठा केले, सामान उठा, चल निकलते हैं यहाँ से। लड़की का आता पता नहीं और सारे पैसे उड़ गए, मेरे पैसे, मेरे पैसे। कितने मर्डर किए थे पैसे कमाने के लिए, केले सब गए। ले ये टोपी पहन ले, मलहूस कहीं गए, प्लेन में बिरयानी बेच के जो पैसे कमाए थे वो भी गए। नींद की गोली खा के सो लें क्या? अब तो गोली खाने के पैसे भी नहीं है।
अरे भाई अच्छी नींद आएगी, ऐसी गोली से सिर्फ 3 घंटे ही नींद आती है। मैं तुझे एक पंच मारता हूँ, 3 दिन तक नहीं उठ पाएगा तू। अब चल, कैसे मिलेगा थिएटर? जुगा ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि एक डॉन लड़की को किडनैप करने आया और टेसु है बाहर। 1-1 रुपया जो कमाया है आंसू बन के बह रहा है। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, 1-1 रुपया वसूल करूंगा। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर तूने गुस्से में उसे मार दिया तो तेरे साथ पुलिस मुझे भी पकड़ के ले जाएगी। सुना है बहुत मारती है यहाँ की पुलिस। सुन जुगा, सुन मेरी बात सुनो जुगा। नहीं जुगा बात तो सुन। वो लड़की सामने आई तो उसकी जान ले लूंगा। किसी लड़की की जान लेना डॉन को शोभा नहीं देता। रूम का भाड़ा तो वसूल कर लेते हैं भाई। चुपकार, मेरा दिमाग मत चाट। जुगा मेरी बात तो सुन। चुपचाप मेरे पीछे आ। चल दरवाजा ठोक। जैसे ही वो दरवाजा खोले उसे बेहोश करके यहाँ से उठा ले जाएंगे। चल दरवाजा ठोक। 10 लाख का कोट पहन के ठोक, जोर से ठोक। ये लोग शायद रूम सर्विस वाले हैं। उनको छोड़, ठोकने पे ध्यान दे। जुंगा, अब तो पीछे 4 लोग हो गए। 4 ही तो हैं। 2 तू 2 मैं ठोक। अब तो 4 के डबल 8 हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 बारातियों पे ध्यान मत दे, तू दुल्हन को ठोक। अरे अब ठोका तो 16 हो जाएंगे। इनके पैर पकड़ के माफी मांग लेते हैं। तूने क्या सोचा, गोरे हैं तो हम झुक जाएंगे? हम इन्हें पहले भी भगा चुके हैं। तू ठोक। Let's go! गणपट्टी पे गन है और ये बत्ती सी दिखा रहा है। What? 4th फ्लोर पे जाना था, गलती से 3rd फ्लोर पे आ गए हम लोग। Hey! आप लोग इंडिया से हो? हाँ। इंडिया में कहाँ से? चेन्नई। चेन्नई से? चेन्नई में कहाँ? आप आर्यपुरम से हैं, हम लोग रायपुरम से। स्पेलिंग में बीच में वाई और ए नहीं है, इसके लिए माफी चाहते हैं। इट्स ओके। पेरिस में आप लोगों का कैसे आना हुआ? हम लोग फिल्में बनाते हैं, लोकेशन देखने आए थे। ओह ओके ओके। आपका नाम? योयो। नाइस नेम। आपकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। पुट द गन्स डाउन, दे आर फ्रॉम माय कंट्री। ओके, लोअर योर गन्स। ये इसे हबशी की तरह क्यों देखा जा रहा है? मैडम, ये चिंकी को आपकी बात नहीं समझ में आई। सॉरी जॉनवू, पुट द गन डाउन। हिज फेस लुक्स सस्पिशियस। इट्स ओके, पुट द गन डाउन। सुन लिया ना, दोबारा शक्ल मत दिखाना, हम लोग एक ही गांव के हैं। I'm so sorry. कोई नहीं, कोई नहीं। Actually, इस हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी है और मेरे डैड ने इन लोगों को मेरी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रखा है। तो 4th फ्लोर जाने के लिए यहाँ से दाएं जाएं, वहाँ लिफ्ट है, समझ गए? ओके, ग्रेट, थैंक यू, बाय। चेट्टियार ने हमको बहुत बड़ा धोखा दिया। सही कहा, सिक्योरिटी का तो हमें पता ही नहीं था। उसकी बात नहीं कर रहा, तू बात को समझ यार। मैं एक बार किसी चीज को देख लूं तो वो दिमाग में छप जाती है। चेट्टियार के घर पे जो उसकी बेटी की फोटो देखी थी उसमें वो एकदम थकी हुई लग रही थी, मजा नहीं आया था। लेकिन यहाँ जब मैंने उसके बड़े बड़े नैन देखे यार, नैन आंखें, ऐसी लड़की का बाप बन के उसने हमें फंसाया और हमें फंसा कर लड़की को विदेश भेज दिया। ओए, लड़की पे नहीं थिएटर पे ध्यान दे। पता है, मेरा मकसद थिएटर पाना ही है और मैं अपने मकसद से कभी नहीं भटकूंगा, पर जो भी हो फिलहाल मेरा उसकी तरफ झुका है। दिल की बात कर रहा हूं। देख भैंसे, तू बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जो मैं चख रहा हूं। फिर भी एक नियम बनाते हैं, मैं भटक गया तो कहना जूंगा स्टडी, मैं हो जाऊंगा रेडी। टेस्ट करें, मान ले सामने वो लड़की खड़ी है और मैं उसके अंदर खो गया तो क्या बोलेगा? जुंगा स्टडी रेडी। ये पागल था तो पता था, अब साबित भी हो गया। अरे तू यहाँ है? ए, ये नए कपड़े कब खरीदे, कितने में खरीदे? अरे होटल के हैं यार, बाथरूम में मिला, फ्री है। फिर ठीक है, कंजूस कहीं का। हे ऊपर वाले, कब उठाएगा तू इसे? एक्सक्यूज मी सर, हु इज दिस डिस्टर्बन? अभी खाया मैंने बन। समवन्स कम लुकिंग फॉर यू सर। हाय जुंगा, वेलकम टू पेरिस, नाइस टू सी यू। राइट,
आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। जुंगा 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 छोड़ो मुझे, जुंगा छोड़ो। जुंगा ये नहीं है, मैं हूँ। पहली बार इसने किसी चीज का एहसास लिया है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जुंगा नहीं हो? ये टाइम का दुरुपयोग करता है और मैं सदुपयोग। अच्छा। ये मेरा असिस्टेंट है। हाय जुंगा, मेरा नाम कल्की है। हाय। नमस्कार। नमस्कार, कहिए। मैनेजर सुकुमार है ना, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो मेरे पापा की बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं शूटिंग के लिए एक लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, उसमें मेरी मदद कर दीजिए। तो आप डायरेक्टर हो क्या? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर होकर इतनी महंगी होटल में रुके हो? हमारे देश में प्रोडक्शन मैनेजर ही सबसे महंगा होता है। रियली? क्या बात है। वो सब है? छोड़ो, मैं आज रात को प्लान्स बनाकर कल तुम्हें बताता हूँ। हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। लोकेशंस बदलते रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता रहूंगा, ठीक है? ओके ओके, जैसा मैनेजर ने कहा है उसके नक्शे कदम पर चलना। ओके, चुप करेगा? ठीक है कल्की। ऐसे नहीं। बाय। तू अपनी औकात में रह। कौवा काटेगा तुझे, वरना मैं तो काटूंगा ही। Hey everyone, it's my birthday next week and well, I have a great plan. We are going to celebrate right from tomorrow at the grandest place in Europe and that's Paris, Opera House. So join me, let's have a blast. See you there. Kalki, shooting ke liye hame smoke bombs ki zarurat padegi. Good morning. We are looking for some good smoke bombs. Do you have some? May we see some, please? क्या कर रहे hey, हो? Put it down. नीचे रखो put इसे. It down. नीचे रखो. Put it down. कहा ना नीचे रखो. रख रहा है ना. पूछो कितने का है? How much do they cost? 5,000 euros. इंडियन करेंसी में 4 लाख रुपए, चलेगा ना? मैं तो सुबह से चलने को तैयार हूँ। मैं इसे बोल के 5% डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। बात करूँ क्या? मेरे साथ इस तरह बात करना बंद करो। तुम्हें पता है फिल्म पे कितना खर्चा हो गया? तुम मेरा बजट जानती हो? ये डिस्काउंट जैसी छोटी बातें करके बेइज्जती मत करो। पता है मैं कौन सी फैमिली से हूँ? ओके ओके, जाकर गाड़ी में बैठो जाओ। I'm sorry. गो गो सिट कार गो। लड़की इज्जत दे रही है तो तू सर पे ही नाच रहा है। चलो अब इनसे मांडवाली करते हैं। इफ आई पुट दिस, ए इसको पूछ इससे कितना धुआं होगा। ए इफ दिस बॉम्ब फुटिंग हाउ मच धुआं फैलिंग ऑल जगह। I can't understand anything. Probably wants to know how far the tear gas can spread. 19 cubic square meters? It can cover this room. Full. Okay, done. Nice. Law. No. You pay first. Money. I'm here. Don't worry. Money coming. Don't worry. Take it. ये दो तू रख और ये दो मैं लेता हूँ। अब इसमें से एक खोल कर इस गंजे की आँख में उड़ा। इसका जन्मदिन है। इसको विश तो कर। Happy birthday to you. What? No birthday. No, 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 no. चल चल भाग 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 भाग। जिसने एक ही गाने से रातों रात सनसनी मचा दी। आइए आपके साथ हम स्टेज पर स्वागत करते हैं कवि दिनेश का। हे, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो अपना दिल थाम लीजिए। स्टॉप द कार, ओपन द डोर, ओपन द डोर। Madam, we have to go. Madam, we don't have any time. Thank you.
लौटी कहाँ है? कहाँ गायब हो गई वो? पापा, अभी अभी तो याद थी, कहाँ चली गई वो? उठो उसे, कहाँ गायब हो गई वो? किसने किडनैप किया उसे? हमसे पहले उसे कौन उठा कर ले गया? जुगा, एक जरूरी बात कहनी थी। क्या? बहुत भूख लगी है यार। क्या? कोई बात नहीं, मैं पानी से गुजारा कर लूंगा, कोई बात नहीं। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मेरा थिएटर, मैंने कितनी मेहनत की है उसके लिए। जुगा, मैंने सारा बैग पैक कर लिया, तू अपनी माँ की बात मान, अपन पैसा बचाते हैं, टिकट बुक करके घर चले जाते हैं और वहां जाके चेटियार को कह देंगे कि हमें थिएटर नहीं चाहिए, हम लोग केबल पे पिक्चर देख लेंगे। हाँ, पहले घर चले भाई। सही कह रहा हूं ना मैं? क्या हुआ? चल चेटियार को फोन लगा। फोन लगा। सर, पेरिस से कॉल है। क्या रे चेटियार, आवाज पहचानी या नहीं? Who's this? जुंगा, पेरिस से। सोने की चिड़िया जैसी तेरी बेटी को मैं उड़ा कर ले जा रहा हूँ। ए, क्या बक रहा है? अब मैंने बिजनेस की बात की तो डर गया, जब मैंने प्यार से बात की तब तो अकड़ दिखा रहा था। मैंने कहा था ना कि जितने चाहिए पैसे ले ले, लेकिन मुझे मेरा थिएटर दे दे। ए, मेरी बेटी को फोन दे। ये पुराना स्टाइल हो गया चिट्टियार, तेरी बेटी से बात करनी है तो मुझे मेरी माँ से बात करवा। जैसे ही मेरी माँ मुझसे कहे कि हाँ जुंगा बेटे, हमें हमारा थिएटर वापस मिल गया है, फिर तू अपनी बेटी से जितनी चाहे बात कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाड़ में जाए तू और तेरा थिएटर, ले ले। पहले मेरी बेटी से बात करवा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, बातचीत उसके बाद होगी। जुंगा, आज फ्राइडे इवनिंग है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ओके, तुम भी दो दिन छुट्टियां मना लो, सोमवार सुबह मेरी माँ के नाम थिएटर कर देना, कैसा लगा प्लान? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है और पुलिस के लफड़े में मत पड़ना, एक जिम्मेदार बाप बनो चिट्टियार। जुंगा, तू मेरी पावर को नहीं जानता। गिव द फोन टू माय डॉटर। सुना नहीं क्या? पहले थिएटर अम्मा के नाम रजिस्टर होगा, तब तक मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखो, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। यू डोंट रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। कितना अंग्रेजी बड़बड़ा रहा है, चल फोन रख। ए, ये तू क्या कह रहा था? लड़की तो हमारे पास है ही नहीं। आ जाएगी। पर लड़की है कहां? ए, चेट्टियार को यह नहीं पता ना? हाँ तो? वैसे भी अपने पास दो दिन का टाइम है, तब तक उसे ढूंढ लेंगे। हेलो, जुंगा नाम का आदमी शक के घेरे में है, अभी अभी इंडियन एम्बेसी से खबर आई है। किडनैप हुई लड़की के फादर को भी उसी पर शक है। वही है जुंगा, उसी ने लड़की को किडनैप किया है। सर, फ्रेंच पुलिस ने कंफर्म किया है, इस किडनैपिंग के पीछे टॉन जुंगा का ही हाथ है। ए, जुंगा, जुंगा, पुलिस ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया। चल 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 चल, ये ले, दे, दरवाजे पर रख। ठीक है, चल 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 जल्दी, चल 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 जल्दी निकल, चल 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 चल। एक मिनट रुक, पेरिस की महिष्मती, हमारी रक्षा करना। बाल बाल बच गए। मरवाएगा तू? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, कैसा है ऋतु? पहले मेरी बात सुन माँ, लाड़ प्यार बाद में करना। मैंने चेटियार की बेटी को उठा लिया है, दो दिन में वो थिएटर तेरे नाम कर देगा। क्या मतलब है दो दिन में? अरे आज शुक्रवार है ना, सोमवार को थिएटर तेरे नाम। अब तू और दादी चेटियार के घर जाओ और थिएटर रजिस्ट्रेशन होने तक उसके घर पर डेरा डालो। अरे वो बुढ़िया कहाँ गई? चेटियार की बेटी को किडनैप कर लिया। आज यकीन हो गया वो मेरा ही पोता है।
उसे बोल दो उसने चुम्बेश्वरी काम किया है। तूने तेरा वादा निभाया, जो बोला वही किया। अरे मैंने किडनैप नहीं किया, खाली बोला है कि किया है। ये क्या बक रहा है? तेरी कसम माँ, मैं उसे किडनैप करने गया था, लेकिन मैं करूँ उससे पहले कोई और उड़ा ले गया। ये कैसे हुआ? माँ ज्यादा सवाल मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो करो। डरो मत, दादी को साथ में ले जाना, आगे की दादीगिरी वो संभाल लेगी। बस बुढ़िया को ये मत बताना कि मैंने किडनैप नहीं किया, वरना वो सब बक के मामला बिगाड़ देगी। देखो चाहे जो भी हो जाए, तुम लोग हौसला बुलंद रखना, बुलंद हौसला, समझ रही हो ना? पर चेटियार इस बात पर भरोसा करेगा क्या? उसने तो कर लिया, तू भी कर ले। फ्रांस से बात कर रहा हूँ, शॉर्टकट में खत्म करवा, वरना लंबा बिल आएगा, फिर तू फोन करके मुझ पर चिल्लाएगी। अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? चला भरोसा रख और फोन भी। अब ये घर को भूल कहाँ निकल गया? कहाँ जा रहा तू? पुलिस हमारे पीछे लगी है, चल भाग चलते हैं। मैं अब यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलूंगा। क्यों? जब भी मुझे भूख लगी है तूने प्लेन से चुराया हुआ मस का पाव ही खिलाया। सोने के कमोड पे तशरीफ तो रख दी, लेकिन उसमें हल्का होने का सौभाग्य नहीं मिला। ये क्या बोल रहा है? क्या गलत गलत एक्शन कर रही है? फैमिली पिक्चर है, अब तू खिलाएगा कि नहीं? ए, हम लोग विदेश में है, उनका खाना खाना पड़ता है। विदेशी पाव खाया कि नहीं तूने? जो चाचा लोग तेरा पीछा कर रहे ना, उनको ही अपना पाव खिला। कुछ भी कर पर खानदान पर मत जाना। वही तो समझा रहा हूँ तुझे, थिएटर पाना तेरी और तेरी फैमिली का मकसद है, लेकिन मेरी फैमिली का मकसद खाना खाना है। अगर तू डॉन है तो मैं असिस्टेंट डॉन हूँ। ठीक है, समझ गया मैं। बोल तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं भूखा हूँ। हाँ तो सीधा सीधा बोलना कि तू भूखा है। चल सीधा सीधा बोला, मैं भूखा हूँ, खिलाएगा क्या? क्या हुआ, पैसे निकाल रहा है? निकालना, नोट देना चिल्लर नहीं। खा ले, पूरा खा ले। एक काम कर, ये शाम के लिए रख लेता हूँ, ज्यादा मत खाना, पुलिस पीछा कर रही है। अबे तुझे इतना इमोशनली टॉर्चर करने के बाद तूने ये चबाया हुआ बन पाव दिया? चल रहा है, मेरे पीछे मत आना। ए असिस्टेंट डॉन, कहाँ जा रहा है? ओए डॉन, वो जो तुझे वहाँ रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, मैं वहाँ जाके कुत्ते की तरह खाने वाला हूँ, तू चुपचाप आके बिल दे देना, नहीं तो याद रखना हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, फूड कोर्ट में। अबे पैसा, डॉन असिस्टेंट डॉन सुन, ए क्या है, वापस क्यों आए? वो होटल नहीं चर्च था, होटल तो इधर है, मैं खाने जा रहा हूँ, बिल देने आ जाना। ए, रुकना। जा रहे। अरे मेरी बात तो सुन। हटना। सुनना। अरे बोला ना। अरे रुकना यार, क्या बात बात में नाराज हो जाता है यार, रुकना। बोला ना, हाथ मत लगा, अगर हाथ लगाए ना तो इसे फोड़ दूंगा, कह रहा हूँ फोड़ दूं। क्या, छोड़ मुझे। देख तेरी भूख हमारी दोस्ती को खा रही है। वेटर वेयर आर यू? सूट में तो मुझसे भी अच्छा लग रहा है, लगता है तू ही हीरो है। पूरा शहर ये जानता है, तुझ पे इतना भरोसा किया यार, अब मेरा भरोसा तोड़ना मत। वैसे भी ये होटल मोह माया है, वही पाँव खिला के ज्यादा पैसे ले लेंगे। तू भूखा है ना, खाना चाहता है ना? बिल्कुल। ठीक है चल, तुझे पेरिस की खाओ गली ले चलता हूँ, जितना चाहे खा लेना, पेट भर के खाना, पैसों की परवाह मत करना। एक पाँव, डेढ़ पाँव, दो पाँव, जितना चाहे खाना, और पाँव ही खाना है तो ये लेना। देख अपनी दोस्ती खा के भूख मत मिटा। वेटर आने से पहले निकल लेते हैं। वेटर कम हियर। इसके इमोशन में भी बन घुसा रहता है। हां ब्रूस ले के भाई, कम कम सर, हियर इज द मेन्यू। ऑर्डर लो, ये वाला। ओके ये वाला। ऑलराइट ये वाला। ओके सर ये वाला। ऑलराइट अब ये वाला, समझ रहे हो ना? यस सर। एनीथिंग एल्स सर? Yes, it'll take 15 minutes. सब दो दो प्लेट ला। Where has he gone, sir? अरे टेंशन नहीं, हल्का होने गया। तू इधर ध्यान दे। Yes, sir. प्लेट ये भी। Okay. Okay. हाँ हेलो कल्कि। हाय जुंगा। शूटिंग की सिक्योरिटी के लिए एक चाइनीज आदमी चाहिए। हाँ? शायद वो ANSSI सिक्योरिटी कंपनी से मिल सकता है, जाकर देखें। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ आज ही आना कल्कि, ज्यादा टाइम नहीं है। ओके सर, योर बिल। फुल बिल? यस सर। वैसे वेयर इज द किचन? व्हाट? प्लेट धोनी है। गुड डे। गुड डे मैम। एक्चुअली वी नीड अ चाइनीज लुकिंग गाय फ्रॉम योर एजेंसी। आई डोंट थिंक वी हैव एनी चाइनीज गाय वर्किंग फॉर अस। आई विल स्टिल चेक। हाउ अबाउट दैट कोरियन गाय जॉन वू? विल अ कोरियन डू? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? वही चाहिए, वही चाहिए। डू यू हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम? मे बी अ फोटो परहैप्स? वेट आई विल चेक माय डेटाबेस, गिव मी अ मिनट। क्या कर रहे हो? फोटो 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 देखो। सो प्लीज गेट डाउन, वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। वो ढूंढ रहे हैं। हां यही है वो, यही चाहिए हमें, बताओ इन्हें, यही चाहिए। इज ही हियर राइट नाउ? आई एम अफ्रेड नॉट।
He's not been reporting to work since few days. Yeah, and he didn't even inform us. उसने आज सुबह ही जॉब छोड़ दिया. सॉरी जुंगा. हाँ. पूछो इन्हें वो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? पूछो इनसे. Who do you think you are? Come on. Hey, ये महंगा सामान क्यों तोड़ रहा है? Come on, bring it on. मैं क्यों आऊँ? तू आ. यासिनी कहाँ है? कहाँ है यासिनी? With the Italian drug mafia. Italian drug mafia? कहाँ? Where? Where? Shambord. Nonsense. धूप में क्यों खड़ी हो? गोरा रंग काला पड़ जाएगा. Italian drug mafia. इंडो-फ्रेंच रिलेशनशिप कायम रखने के लिए फ्रेंच पुलिस को उस इंडियन लड़की को छुड़वाना होगा जिसे हमने किडनैप किया है. फ्रेंच गवर्नमेंट के पास हमारी बात सुनने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है. उन्हें हमारी बात माननी ही होगी. अगर वो इंडियन लड़की को जिंदा चाहते हैं तो उन्हें हमारे लीडर को छोड़ना ही पड़ेगा. मैं डॉन की माँ, ये डॉन की दादी. उसे पता है. मैं जानती हूँ कि आप टेंशन में हैं, पर सब ठीक हो जाएगा. आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं. आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा. जब तक हमारी सांसें चलेंगी उसका नाच बंद नहीं होगा. इसका कहने का मतलब यही था. अगर हमारे हाथ कटे तो हमारा गब्बर भी दब जाएगा. फिर अगर तुम्हारी पूंगी बजी तो हमसे मत बोलना कि बोला नहीं था. Get them out of here. चलिए मेरे साथ, मेरे साथ आइए. चल चल. एक बार मेरी बेटी आ जाए उनकी मौत पक्की. हाय जुंगा. चेम्बोर यहाँ से कितनी दूर है? फ्लाइट से जाओगे तो 40 मिनट. पहुँचने में खर्चा कितना होगा? 300 यूरोस. 23,400. और अगर बस से जाएंगे तो? 200 यूरोस. मतलब 15,000. और अगर बोट से जाएंगे तो? बोट से जाओगे तो 150 यूरोस. उसमें भी 11,700. नहीं नहीं नहीं, वो भी छोड़ो. तैर के जाएंगे तो? तैर के? सच में? क्या हुआ? नहीं, कोई चांस ही नहीं है. पानी का टेम्परेचर -5 है.
सर, टीवी पर रिपोर्ट आ रही है कि उस लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है। यजीनी इंडियन उद्योगपति कुमार स्वामी चेटियार की बेटी का कल रात अपहरण कर लिया गया। इसके पीछे एक इंडियन आदमी जुंगा का हाथ बताया जा रहा है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ओके, अब खेल और भी दिलचस्प हो गया है। तो जुंगा ने उस लड़की को किडनैप किया, अब हम जुंगा को ही अपना बकरा बनाएंगे और सरकार को अपने आगे झुकाएंगे। जुंगा के आने से अब खेल में और मजा आएगा। अरे मेरे बेटे की गलती, घुटने पे क्यों जोर दे रही है? मैं सोच रही थी चेटियार एक बार आपको मार डाले तो मैं चारों धाम की यात्रा कराऊं। हाँ मैं बादाम का दूध पीने वाली हूँ, ये पाउडर का दूध क्यों ले आ रहे? ले जा। जा रे भाई, बदल किला। ये सफेदी की चमकार, रुक। ये एसी बंद है क्या? ठंडी हवा नहीं आ रही? माँ जी, ज्यादा फास्ट किया तो आपकी बॉडी झेल नहीं पाएगी। इधर आ, आ जा राजा, मेरे पास आ जा, आ जा, बैठ जा। तेरे बॉस की लड़की हमारे पास है, ठंडा गरम जो मांगू ले आ। कोई जहर दे दो इन्हें। निकल। और सुन, दूध में थोड़ा शहद और बादाम पीस कर डालना, इससे जवानी फूटती है बेटा। आपको ये कैसे मालूम? अरे तेरी शादी नहीं हुई ना, तू समझेगा नहीं। जा जा ले आ। थिएटर 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 बना है, थिएटर थिएटर। Ограничит сахар или может быть? Who are you? खाना खाया, प्लेट भी धोया। Which group? बहुत बड़ा ग्रुप, सिर्फ दो लोग ही आए हैं, बजट का प्रॉब्लम था, एयरपोर्ट से होटल तक चल के ही गए थे। Which country? इंडियन। अफ्रीकन तो नहीं समझ रहा। Which city? काशीमीरा। कश्मीर? कश्मीर नहीं सर, काशी मेरा। दहिसर नाका के आगे पायल डांस बार है ना, उसके बगल वाली गली में चौथा घर है मेरा, आइएगा। Where is your passport? बहुत लंबी कहानी है सर, वो जो हमारा बॉस है ना जुंगा, उसने मेरा पासपोर्ट फ्री का चुराया हुआ बन के अंदर घुसा दिया था। बन के ऑयल ने मेरे पासपोर्ट की ऑयल मसाज कर दी, मैंने होटल के अंदर उसको सुखाने के लिए रखा, लेकिन जुंगा उसको भी लेकर चला गया सर। I don't think he's Indian. हाँ, what do you think? He must be from Africa or something. क्या कहा? Are you a Somalian? ओह, समोसा खिलाने वाले हैं, दो प्लेट लाइएगा, हरी और लाल चटनी दोनों लाइएगा चाय के साथ। I can't understand anything. Get the girl we arrested to translate. Yes sir. And make it quick. हमारे सूत्रों से अभी अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, वो किडनैपर जिसने इंडियन लड़की को किडनैप किया है वो जुंगा नाम का एक इंडियन है। उस किडनैपर ने याजिनी के बदले इटालियन ड्रग माफिया के लीडर की आजादी की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसने धमकी दी है कि याजिनी को मार दिया जाएगा। इस जानकारी से एक बात तो निश्चित हो गई है, और वो ये कि जुंगा ही फ्रांस में इटालियन ड्रग माफिया का अहम बंदा है। ए, सुनो तुम लोग, जुंगा अपने आप को क्या समझता है? कहा था ना मंडे की सुबह रजिस्टर करवा दूंगा, फिर वो क्यों कह रहा है कि इटालियन माफिया की आजादी के बाद मेरी बेटी को छोड़ेगा? ए बुढ़िया, तुम लोगों का कोई प्लान तो नहीं है? चिल्ला मत, शांत हो जा, मेरा पोता विदेश ऐसे ही थोड़ी गया है। तेरी बेटी को किडनैप करते करते उसे और कोई छोटी मोटी सुपारी मिल गई होगी, अब वापस आने का खर्चा भी तो निकालना है ना। तू समझदार है चेटियार, जैसे ही तू हमारी प्रॉपर्टी लौटाएगा तो तुझे तेरी प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी। क्या कहा? प्रॉपर्टी? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, माइंड इट। हे बुढ़िया, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? गुंडी बनने की क्या जरूरत थी? जितना ज्यादा बोलेगी उतना जल्दी मरेगी, तेरा क्रियाकर्म कहाँ से करूंगी? अरे इतना क्या डर रही है, मेरा पोता विदेश में जाकर डॉनगिरी के झंडे गाड़ने वाला है। उल्फी जम गई रे, ये कोट कब सूखेगा? बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैर कर ये डॉन भी ठंडा हो गया। आ गई, साक्षात देवी आ गई। शी इज द वन यू आस्क्ड फॉर। डू यू नो हिम? इसको बोलो मैं अच्छा आदमी हूँ। यस आई नो हिम। ट्रांसलेट व्हाट ही सेज।
कल्कि, ये जो बोल रहे हैं मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, और मैं जो बोल रहा हूँ इनके पल्ले नहीं पड़ रहा। इनको समझाओ कि मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है, प्लीज। बहुत गले लगने का शौक था ना तुझे काले सांड, भले ये लोग तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दे पर तुम्हें इतना ही कहना है, वी आर किडनैपर्स। ये लोग मुझे छोड़ देंगे ना? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। बाहर आते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब देखो, ए गोरी चमड़ी इधर आओ और नजदीक। वी आर किडनैपर, ओके? सो यू आर द किडनैपर। अबे येड़े, वी आर किडनैपर। That's exactly what I'm saying. Yes, we are kidnapper. I know you are the kidnapper. ये ऐसे क्यों चिल्लाए जैसे मैं किडनैपर हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए तुम डटे रहो। आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता जानू? Hey, we are kidnapper. अबे घूर क्या रहा है, डर गया क्या? मेरी आवाज थी। वी आर किडनैपर। अब गया सांड पानी में। क्या बात है, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। बॉयज बीट हिम अप। कैसे हो, कैसे हो भाई लोग, कैसे हो सब लोग, ठीक हो ना? चलो मैं चलता हूं। अब वो मेरा पीछा कर रहे हैं, यहाँ से चलो प्लीज। मैसी मैसी मैसी, तुम्हें फ्रेंड चाहती है? जितना बोला उतना ही बोलना आता है बस। हाँ? सीट बेल्ट लगा लो। ओके सीट बेल्ट लगा लो।
मुझे यहाँ के रास्ते पता है, मैं बताऊंगी। यहाँ से राइट, एक और राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और यहाँ से राइट। तेज चलो, यहाँ से लेफ्ट लोगे तो वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। सच में? हाँ सच में। लेफ्ट लेफ्ट, टेक लेफ्ट। स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। ये कैसे हुआ? गो 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 गो। ए, ब्रेक 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 ब्रेक, गाड़ी रोको। सुनो, यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार काम करता है? बिल्कुल सही, फ्रेंच पुलिस। BRI हेडक्वार्टर्स, यहाँ हम सेफ रहेंगे। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती तुम। मुसीबत में पुलिस के पास जाते हैं क्या? बकरे की तरह हलाल होना चाहती थी, खुद तो मरती, सांस में मुझे भी ले मरती। मैंने तुम्हें बचाया, उसका ये बदला दे रही हो तुम? लड़कियों, इसलिए चिल्ला नहीं रहा। तुम और ये तुम्हारा पीले वाला गाउन। क्या क्या क्या? एक बात कहूं, मेरी लाइफ में किसी ने मुझे इतना नहीं डांटा। सच में? हाँ। मैंने तुम्हें कहां डांटा है? पुराना मानो तो एक सलाह दूं। क्या? मुझ पर भरोसा रखो, सदा सुखी रहोगी। और रोना आए तो मेरे कंधे पे सर रख के रो लेना। रो लो। यहीं से लेफ्ट लेना है। कहा ना मुंह बंद रखो। जुंगा एंड द गर्ल वी नाउ आर बीइंग चेज्ड बाय द कॉप्स। व्हाट डू वी डू? एट एनी कॉस्ट आई वांट दैट इंडियन गर्ल। गॉट इट? आ जाओ, बैठो बैठो।
गवर्नमेंट ने माफिया लीडर को छोड़ने का फैसला किया है। ये गलत होगा सर, उस ड्रग माफिया ने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी तबाह की है, मेरे कई टीम मेंबर्स को मार डाला। मुझे बस एक दिन का टाइम दीजिए प्लीज, मैं जुंगा और उसकी टीम को पकड़ लूंगा। वो तुम्हारी आंखों के सामने हेडक्वार्टर से उस लड़की को उड़ा ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, इसके बावजूद तुम और ज्यादा टाइम मांग रहे हो, मैं नहीं दे सकता। उस माफिया लीडर को जेल में ही मार डालते हैं, कह देंगे उसकी मौत एक हादसा है, मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या कहते हो? ये इतना आसान नहीं है, अगर उसे मारा तो सब हम ही पर शक करेंगे, मिनिस्टर बीआरआई टीम को सस्पेंड कर देंगे, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो क्या हम उसे आजाद कर देंगे? उसे और उसकी गैंग को मरना ही होगा। अरे बाप रे। हाँ? एक्सक्यूज मी जुंगा। यस। कैसी लग रही हूँ? सब कुछ एकदम टकाटक। सच में? क्या मैं एक और ड्रेस ले लूँ? हाँ ले लो ना। हाँ? पर इस बार कुछ ढीला ढाला लेना, ज्यादा टाइट नहीं, अच्छा लगेगा। थैंक्स। थैंक्स। थैंक्स? मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो? पैसे तुम दे रही हो ना, मैं तो ये सोच के चुप था कि पैसे तुम दोगी। मैं दूंगी? हाँ। मेरे पास पैसे कैसे होंगे? मुझे तो किडनैप कर लिया गया था। क्या हुआ, तुम तो अपना पर्स लाए हो ना? मैं तो छोड़कर आ गया। अच्छा गाड़ी में छोड़कर आए हो, तो जाओ लेकर आओ। नहीं वो होटल में छोड़कर आए हो? कोई बात नहीं लेकर आओ, तब तक मैं थोड़ी और शॉपिंग कर लेती हूँ। हेलो, इंडिया के रूम में छोड़कर आया हूँ। जाने दो, मैं अपनी ड्रेस वापस पहन लेती हूँ। नहीं, रेड में ज्यादा अच्छी लग रही हो, यहाँ से हम दोनों भाग जाते हैं। भाग जाते हैं? जोर से मत बोलो, उसे शक हो रहा है, हंसती रहो। चोरी करनी है? बिल्कुल बिल्कुल। आओ चलो भाग चलते हैं। अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम? स्ट्रेच कर रही हूँ, भागते हुए क्रैम्प्स आ गए तो? पुलिस और माफिया के हाथ से बच के भाग निकलने के बाद अगर इनके हाथ पकड़े गए तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। मेरे साथ चलो, हंसती रहो, हंस हंस के भागेंगे तो इन्हें शक नहीं होगा। मेरे तीन गिनते ही 1 2 3 बोलते ही अब something, life में पहली बार मैंने चोरी की है, high five. ऐसे ही मेरा साथ दो, फिर देखो हम क्या क्या करते हैं, चलो। जगह सही है, यहाँ कोई नहीं है। जुंगा, हाँ? अपना फोन दो ना प्लीज। क्यों? वो मुझे अपने डैड से बात करनी है। क्यों करनी है? मेरे बर्थडे के दिन मैंने उन्हें फोन नहीं किया तो मेरे डैड को बहुत बुरा लग जाएगा। मेरा फोन अभी फ्लाइट मोड में है, वो क्या है, फोन ऑन करते ही सिग्नल मिला तो वो हमें ट्रैक कर लेंगे। एक काम करो, मेरा फोन लो, वॉइस मेल रिकॉर्ड कर लो, कहीं दूर जाकर मैं पापा को भेज दूंगा। चलो जाओ। कहीं से शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, भोली लड़की है। सुनो जरा जल्दी करो, फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी। हाँ हो गया, जल्दी भेज देना प्लीज। हाँ ओके। हाँ अरे हाँ, एक और बात, हैप्पी बर्थडे। ये कोई तरीका हुआ किसी लड़की को हैप्पी बर्थडे बोलने का? अरे सबको ऐसे ही तो बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। तुम जाओ। क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? फॉरेनर्स की तरह गले मिलकर विश करूं? जाओ। हाँ ओके, मैसेज भेजना। हाँ।
एए, उन दोनों को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार करो। जैसे ही मेरी बेटी आजाद होगी पूरी फैमिली को खत्म कर देना। जुंगा ने लड़की को किडनैप नहीं किया। अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। अरे कुलता, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब बता कर क्या उखाड़ लिया? कौन सा तीर मारा था जो तुम्हें बताती? और वैसे भी तुम्हारा दिमाग कौन सा ठिकाने पर था? फेफड़े फड़फड़ा रहे। रास्ते में कोई अस्पताल है ही क्या? शमशान घाटे वहाँ गाड़ी मोड़ लूँ क्या? दोनों नालायकों पे भरोसा करके शमशान का रास्ता तो खुल ही गया। जब तक रंगा और लिंगा थे तब मेरी ऐसी ऐसी चट्टियार को पता चलेगा ना तो दौड़ा आकर मारेगा। चुप बैठोगी? ये दोनों लड़के हमारे साथ है ना, वो सब देख लेंगे। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। किसकी प्रॉपर्टी और कौन मरेगा? कहाँ इन चांडालों के साथ फंस गया? चेट्टियार मेरी बॉडी में भूसा भर देगा। ए भाई, गाड़ी साइड में लगाना। ए, तेरे बाप की बस है क्या? अब तो सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस ही गाड़ी रुकेगी। टिफिन लाई हूँ, वहीं खाएंगे। ए भाई, रुकना, बोलना इसको। जैसे गाड़ी रुकेगी ना मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा। तेरे को भागना तो तू भी आ जाना। मैं गाड़ी रुके बिना ही भागने वाला हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? चिंता मत करो, वहाँ जाके कुछ नहीं होने वाला हमें। सुनो बेटा, तुम बड़े अमीर आदमी हो। मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए। आज का दिन शुभ नहीं है। क्या शुभ? शुभ नहीं ना, ये भी बोलिए शुभ नहीं है। ये कितना प्रॉपर्टी, ये सब हमारा नहीं, जुंगा का प्लान था। उसको पकड़ो। ये सब क्या बकवास कर रही हो? जुंगा हमें मार डालेगा। ये तुम्हारे पोते ने भेजा है। अगर आज रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो मेरी बेटी को मार देगा। क्या रे चेट्टियार, तू कुछ ज्यादा ही बज रहा है। फोटो जरा ध्यान से देख, गन किसकी खोपड़ी पे है। वो ज्यादा दिन नाचेगी नहीं। दूं क्या कौनी तेरे मुंह पे? चलिए राजा, क्या बारात में आया क्या? रजिस्ट्रेशन कर चुपचाप। सामने कैमरे में देखिए। अम्मा जी पीछे हटिए, आप आगे आइए थोड़ा। तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हो? क्योंकि यहाँ पे एंट्री फ्री है, इसीलिए लाया। बोलो। डैड मैं भाग निकली। ये क्या कर रही हो बेटी, सच में? रुक जाइए, रुक जाइए। अरे क्या कर रही हो, दोनों तो साइन बाकी है। ए, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। थैंक गॉड। एक ग्रुप हमें यहाँ ब्लैकमेल कर रहा है। उनका कहना है जब मैं थिएटर उनके नाम करूंगा तभी वो तुम्हें छोड़ेंगे। मैं इस वक्त रजिस्ट्रार के ऑफिस में हूँ। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अगली फ्लाइट से ही तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। ओके ओके डैडी, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस थैंक यू। किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? अपने डैड से बात की। क्या बताया तुमने उन्हें? वो किडनैपर्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दी। अच्छा काम किया ना। Give me a high five. Yes. क्या हुआ? क्या हुआ? विदेश में तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई? फिकर मत करो, मेरा बेटा वही है, वो उसे ढूंढ के ला देगा। दो ही साइन बची है, अगर आप कहो तो मैं कर देती हूँ साइन, सब खुश रहेंगे। आज का दिन अशुभ है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं, आज का दिन तो जश्न मनाने का है। बिना साइन के जश्न कैसे मनेगा? निकालो बाहर इन्हें। ऐसा मत करो। आउट। ऐसा मत करो। आउट, आउट। मत करो ऐसा।
आखिर हुआ क्या बताओ तो। बर्बाद कर दिया ना, मेरे फोन से इंटरनेशनल कॉल करने का मेरा खुद का सपना था वो बर्बाद कर दिया ना। तुम्हें पता है चेन्नई में सिनेमा पैराडाइज नाम का एक थिएटर है, तुम्हारा है, तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है। 2547 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, उसमें से ये छोटा सा थिएटर मुझे कैसे याद है? छोटा सा ना, 2547 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने छोटा ही है, लेकिन वो थिएटर हमारा था। मेरे पिताजी और दादाजी ने कर्जे में डूब कर वो थिएटर तुम्हारे पिताजी को सस्ते में दे दिया और कर्जा मेरे सर डाल दिया। मैं अपनी माँ और बूढ़ी दादी की कसम खाकर आया हूँ कि वो थिएटर उन्हें वापस ला कर दूंगा। जब मैं चेन्नई शहर का डॉन बना था तब पहली बार मुझे कौन सा केस मिला था पता है? एक नर्स थी जिसका कुत्ता खो गया था। डॉन बनने के बाद ये था मेरा पहला काम। वो सफेद वाला कुत्ता अमीर लोगों के घरों में होता है ना, वो कुत्ता जो बिल्ली जैसा दिखता है, गोल गोल घूमता रहता है ना, तुम्हारे पास भी रहा होगा। वही ऐसा ही एक कुत्ता खो गया था। अब एक कुत्ता ढूंढने का काम करेगा जुंगा, ये नहीं सोचा मैंने, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब ये काम करने हम लोग निकले तो पंटर लोग बोले रिक्शा से जाते हैं, पर पैसे बचाने के चक्कर में मैं सबको लेकर साइकिल पे गया। जब वहां जाकर देखा तो पता चला वो कुत्ता नहीं सांड था। किसी तरह उसे साइकिल पर बिठाकर साइकिल को हिलाने की कोशिश की, पर ना साइकिल हिली ना कुत्ता। फिर मैंने दोनों को सर पे उठा लिया और वहां से नर्स के घर तक चल कर गया पूरे 27 किलोमीटर। इस तरह पसीना बहाकर एक एक रुपया जमा करके 1 करोड़ रुपया जब मैंने तुम्हारे पिताजी को दिया तो उन्होंने बस छोटी आंखें करके मुझे देखा। अब मैंने क्या गलत किया? तुम्हारे पास 2547 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, क्या कमी आ जाती उसमें? मेरी वो शर्ट 400 रुपए की थी, वो भी डिस्काउंट में ली थी। खुश होकर उनसे डील करने के लिए नई शर्ट पहन कर गया था मैं, और सिक्योरिटी वाले ने उस शर्ट की जेब फाड़ दी। मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। उस दिन मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिला। अगर तुम्हारी कोई चीज किसी ने छीन ली है तो उसे वापस पाने के लिए तुम्हें उसकी चीज छीननी चाहिए, और वही मैंने किया। समझ रही हो ना? नहीं समझी? तुम नहीं समझोगी। मैंने झट से अपने मैनेजर को फोन किया, उसने कहा तुम पेरिस में हो। मैं दौड़कर पेरिस में पहुंच गया। ये तुम्हारा पेरिस है, वो मेरा पेरिस था। तुम्हारे और मेरे पेरिस में आसमान जमीन का फर्क है। 8 सस्ती फ्लाइट्स की टिकट निकाल कर यहाँ पहुंचा हूँ मैं। 8 नहीं 16 फ्लाइट बदलता पैसे बचाने के लिए, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद जब मैं तुम्हारे सामने आया तब पता है मुझे कैसा महसूस हुआ? पूछो कैसा लगा। कैसा? मावरा हो गया। अरे कोई इतना खूबसूरत कैसे पैदा हो सकता है? मैं सोचता रहता था अपने काम पर ध्यान दूं, तुम्हारी खूबसूरती पर ध्यान ना दूं, लेकिन तुम एक जगह टिकती हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागती रहती हो। कोऑपरेट नहीं कर सकती? नॉनसेंस, स्टूपिड नॉनसेंस। अब सुनो, जो तुमसे मिलता है तुम्हारा दीवाना हो जाता है, फिर मैं कैसे बचता? इससे पहले कि प्रॉपर्टी के लिए मैं तुम्हें अगवा करता, कोई और ही बाजी मार गया। मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, और वो गधा ये बात मान भी गया। फ्रेंच पुलिस भी इटालियन माफिया से पंगा नहीं लेती, उनसे तुम्हें बचाने के लिए ठंडे पानी में तैर कर मैं आया ना। जो मैंने किया क्या वो कोई और करता? मैं तुम्हारे पास आया, तुम वहां से भाग गई। ये तो मेरे बाप दादा ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम सामने से चलकर मेरी गाड़ी से टकराई। और उस पल पता है मुझे कैसा महसूस हुआ? ऐसा लगा जैसे मेरा प्यारा थिएटर सामने से चलकर मेरी गाड़ी में आकर बैठने के लिए बेकरार हो रहा हो। और उसके बाद तुमने क्या किया? क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे सीधा फ्रेंच पुलिस के पास ले गई। यहाँ फ्रेंच पुलिस, यहाँ इटालियन माफिया, यहाँ से हमला, वहां से हमला, चारों तरफ हमला। थक गया हूँ मैं। प्लीज। किसी तरह मैंने अपने आप को समझाया कि जुंगा सब ठीक हो जाएगा। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद अब वो थिएटर हमारा होने ही वाला था और तुमने गाना शुरू कर दिया। सॉरी, पर सुन लो और ये बात हमेशा याद रखना, चेन्नई का बदनाम डॉन जुंगा यहाँ पर इतनी दूर से पूरे 28,47,000 रुपए और 38 पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें इटालियन माफिया से बचाने के लिए। ये शक्ल याद रखना हमेशा। तुम क्या जानो मुझ जैसा इंसान कितने संघर्ष करता है। हमेशा खुश रहना। ऐसा नहीं है। जाओ 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 जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ इससे पहले कि मुझे प्यार हो जाए। एक बात तो सीखी मैंने, जुर्म की अंधेरी दुनिया में प्यार का दिया नहीं जल सकता। मैं हूं इसकी जीती जागती मिसाल। चले जाओ, सब खत्म हो गया। और हाँ, हे, सच में गई क्या? ये लड़की एक जगह टिकती ही नहीं है, फिर से ढूंढो उसे। छोड़ो, पापा। बेटी, पापा।
जुगा ने मुझे फिर से किडनैप कर लिया है पापा, प्लीज प्लीज उसे अपना थीटा वापस दे दो। पर तुम तो भाग निकली थी ना। हाँ, लेकिन उसे मुझे वापस किडनैप कर लिया है। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या पापा? जुगा, मैं थिएटर तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, जाने दो उसे प्लीज। छोड़ दो मुझे पापा, जुगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस 5 मिनट दे दो मुझे पहुंच गया, बस कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन करना, इन लोग को लेके आओ। क्या हुआ सर? जुंगा ने फिर से मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, लेके आओ इन दोनों को। क्या रे, बुढ़िया पे हाथ उठाता है? उठा मुझे गरम जले। अरे उसे गोद में उठा कर लेके आओ। गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया। फास्ट पापा फास्ट। हाँ हाँ, पहुंच गए पहुंच गए, चलिए जाइए, हम तैयार हैं, चलिए ले ले ले। क्या हुआ सर? चलो क्या हुआ? तू चुप कर चुप कर, कहाँ साइन करना है? चलो खोलो खोलो। साइन किया या नहीं? फास्ट पापा फास्ट। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हो गया हो गया। मारो मत प्लीज। हाँ साइन कर लिया बेटा। साइन कर ली ना पापा? हाँ हाँ, हो गया हो गया, मेरा सारा साइन हो गया। चलिए आप लोग करिए साइन करिए। अरे उसको बोलो ना, उसके पास साइन कर रही है। कोई और प्रॉपर्टी चाहिए क्या? नहीं नहीं, सब 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 हो गया बेटा, सबका हो गया। दो, जल्दी लो अपने बेटे से बात करो। चुंगा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ मेरे लाल। तूने नाश्ता किया? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। नहीं, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? उसको बोलो थिएटर नाम पर हो गया। चेटियार ने थिएटर के पेपर्स पे दस्तखत कर दिए। चेटियार बहुत अच्छा इंसान है, उसकी बेटी को मारना मचा। पापा पापा, उसे क्यों मार रहा है बेटा? अब तो साइन हो गए हैं, उसे छोड़ दे बेटा। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप ही बात कीजिए उससे। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो ना? पहले ये बताइए, रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं? हो गया बेटा। उसने मुझे छोड़ दिया। शुक्र है ऊपर वाले का, जो कहा था वो कर दिखाया मेरे बेटे ने। हम अपने घर जा सकते हैं क्या? Oh my God! Hi, Junga. Hello. Congrats. Call the BRI and tell them to hand over our boss and pick up the Indian girl. Good job, Junga. Once our boss is back, kill him. काफी लंबा बोल गया. क्या बोला ये? इसके बॉस के आने के बाद मैं मार देंगे. Merci, merci, merci. माफिया गैंग का पूरा ध्यान उनके लीडर पर रहेगा। जैसे ही हमें इंडियन गर्ल मिलेगी, हम माफिया लीडर की हथकड़ी खोल देंगे और उसी वक्त हमारे स्नाइपर इंडियन गर्ल को मार डालेंगे, जिससे कि माफिया गैंग को शॉक लगेगा। इंडियन गर्ल को मारने के लिए हम माफिया बॉस को शूट करेंगे। ये देखकर माफिया के सारे लोग सामने आकर हम पर हमला करेंगे। हमें इस मौके का फायदा उठाकर पूरे माफिया को किसी भी हाल में खत्म करना होगा। मुझे इस बात का डर नहीं कि ये मुझे मार देंगे, ये सोचकर परेशान हूं कि मेरे बाद मेरी माँ और दादी थिएटर की क्या हालत करेंगे। थिएटर को लेकर मैंने बहुत कुछ सोचा था। रंगा लिंगा जुंगा नाम की 3 स्क्रीन बनाऊंगा, पूरा शहर देखने आएगा, हाउसफुल। थोड़ी और मेहनत करके मिनी जुंगा बनाऊंगा। यही टाइम मिला ये सब बोलने का? मिनी जुंगा तो होके ही रहेगा, तुम मना मत करना। बकवास बंद करो। ए, गुस्सा क्यों हो रही हो मुझ पर? सॉरी, हाथ पकड़ने के लिए सॉरी। अब सुनो सुनो, यहाँ देखो मेरी आंखों में, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी दादी माँ से ये बात जरूर कहना। क्या वो भागने का प्लान बना रहा है? लगता है उन दोनों के बीच कोई जरूरी बात हो रही है। कि अगर थिएटर में पॉपकॉर्न टिकट से ज्यादा महंगा बेचा तो मैं आत्मा बनकर उसे सताऊंगा। कह देना उससे, समझी? अलविदा। तुम्हें मुझसे प्यार है? जल्दी बताओ, मैं मरने वाला हूं। अरे अपने सपनों को छोड़कर मैं तुम्हारे पीछे भागा भागा ना, वो जो यहाँ पर होता है ना, वो जो धड़कता है, वो दिल मैंने तुम्हें दे दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, वरना तुमसे कभी नहीं कहता। मैं भी इंसान हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैसे ही मैं पुलिस के पास जाऊंगी उन्हें कहूंगी कि तुम्हें बचा ले। अच्छा,
तुम उनसे कुछ कहोगी और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम उन्हें फ्रेंच में कुछ समझाओगी और वो मर्सी मर्सी कहकर मुझे छोड़ देंगे, जाने देंगे मुझे। ऐसा कुछ कहना मत वरना ये लोग मुझे मार कर जिंदा करके फिर मार देंगे। जुंगा, मेरे घर वालों से कहना मेरे लिए आंसू ना बहाएं, थिएटर का ध्यान रखें और थिएटर के सामने मेरा ऐसा एक पुतला बनाएं। जुंगा रहे या ना रहे, थिएटर हमेशा रहेगा। जय हिंद। तुम थिएटर दोनों बच गए। थिएटर देने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? थिएटर के मालिक से मुझे प्यार हो गया है। ए, तेरा भी धड़का? हाँ। तेरा भी धड़का? ए, ए, ए। पागल हो क्या? तुमने माफिया डॉन को शूट क्यों किया? याजिनी को लगा पुलिस के हाथों में वो महफूज रहेगी, पर पुलिस ने उसे मारने का प्लान बनाया था। माफिया गैंग ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। माफिया लीडर को मार दिया तो उसकी गैंग पुलिस वालों पे गोली चलाएगी और पुलिस वाले माफिया गैंग पे, दोनों आपस में निपट लेंगे और इस तरह हम वहां से निकल गए। ओ, तो फ्रेंच पुलिस ने तुम पर कोई चार्जेस नहीं लगाए? याजिनी ने फ्रेंच पुलिस को सब समझा दिया। माफिया लीडर को मारने के लिए पुलिस वालों को अवार्ड मिला और उन्होंने हमें छोड़ दिया। कोई शक है क्या? नहीं ना। बाकी थिएटर से यहाँ की टिकट बहुत सस्ती है। टिकट के साथ पॉपकॉर्न भी फ्री मिलेगा। तो आपको लगा हैप्पी एंडिंग हो गया? फ्रेंच पुलिस से, इटालियन माफिया से बच गए तुम, पर हमारे हाथों से नहीं बच पाए। हर लंका को जलाने वाला कोई उसका भेदी ही होता है। ओए, लगता है इसकी कहानी अब खत्म हो गई है। कोई नई कहानी शुरू करे उसके पहले इसका गेम बजाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर। पेरिस से लौटने के बाद पंटर लोगों ने पार्टी मांगी तो तुम्हें देनी चाहिए थी। अब तो तुम्हें छोकरी और प्रॉपर्टी दोनों मिल गई थी ना। मैंने दी थी। क्या मजाक है ये? उपमा है। छी, उपमा पार्टी दे के तू हमारी बेइज्जती कर रहा है क्या रे? ऊपर वाले का दिया सब कुछ है तेरे पास, फिर भी उपमा खिलाएगा? चलो ठीक है, अगर इसमें तू थोड़ी चीनी डालता, थोड़े काजू बादाम डालता तो हम लोग इसे मीठा समझकर खा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर तो रवा ही रवा भरा पड़ा है, इसको खा के पेट खराब करना है क्या? ए, जानता नहीं है क्या तू? जानता नहीं है क्या? क्या नहीं जानता? शक्कर से क्या होता है? डायबिटीज। शक्कर से शुगर होता है और उसके बाद ब्लड प्रेशर। मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घर वालों की भी चिंता है। सुबह से हमें मिले बॉस। क्या कहा? समझ गया। क्या समझा रहे तू? हम दोनों ही समझ गए। समझ गए समझ गए। उस उपमा ने इन्हें खबरी बनाया। इतना पैसा कमाने के बाद अगर कोई उपमा की पार्टी देता है तो उसे तो मार ही देना चाहिए। सर, जुगा का है वो क्या सर? और मेरा टच स्क्रीन वाला फोन भी ले गया सर।
हे, ये आधी रात को तुम्हारे फोन से मुझे कौन फोन कर रहा है? उसी का होगा। तुम अपना फोन क्या घर पे छोड़ आए हो? हेलो, आप लोग ठीक हो ना जी? हम लोग ठीक नहीं है जी, किसी ने हमारा फोन मार लिया जी। जी मैंने ही वो फोन मारा है जी। कहाँ से बोल रहे हो तुम जी? जी तुम मेरा एनकाउंटर करना चाहते थे ना, अब मैं कानून के पास जा रहा हूँ जी। ऐसा मत करो, वापिस आ जाओ, हम ही कानून है जी। नहीं जी, रनिंग जी, जुंगा रनिंग सक्सेसफुली जी, ये फिल्म गोकुल जी की है जी। जी थैंक्स जी।